हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ भारत पंचालियो केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ द चैप्टर अल्कोहल फिनोल एंड इथर। ठीक है, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11th है और ऑर्गेनिक का चैप्टर है। तो मैं इसमें कोशिश करूँगा कि पूरी एनसीआरटी को कवर करूँ, मतलब ये पूरे एनसीआरटी है। एनसीआरटी को सिंपल वर्ड्स में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बढ़िया से नोट्स आपके बन जाएंगे, मतलब एक एक पॉइंट को मैं लिख के एक्सप्लेन करवाने वाला हूँ, तो बहुत बढ़िया वाइब्स आपको आ जाएंगी। ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का रहने वाला है और मतलब इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एंड ऑलरेडी मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स और भी सभी चैप्टर के नोट्स और वन शॉट प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो लेट्स स्टार्ट कि अल्कोहल फिनोल इथर किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं कभी आपसे पूछता हूँ कि भैया अल्कोहल किसे कहने वाले हो आप लोग, अल्कोहल कहा जाता है बेटा जब एक कार्बन कार्बन की चेन में OH लग जाता है ना, जैसे कि एक अल्केन है, उधर से आप H को हटा देते हो और OH को लगा देते हो। ठीक है, जैसे कि फिनोल है, फिनोल किसे कहोगे भी आप लोग, अगर कभी जैसे बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा के उधर आप OH लगा देते हो। ठीक है, सिमिलरली इथर किसे कहते हैं, जैसे कि एक अल्केन है उसमें से H को हटा के आप लोग अल्कोक्सी ग्रुप लगा देते हो तो ये क्या बन जाता है बेटा जी, आपका इथर बन जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है भैया इसका क्लासिफिकेशन, कि हम इनको क्लासिफाई किस तरह से करते हैं। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि ये ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर हैं बेटा जी, सारे के सारे इंटरलिंक्ड हैं। मतलब आपको एक ऑर्गेनिक का चैप्टर अच्छे से आता है तो आप दूसरा कर सकते हो, दूसरा अच्छे से आता है तो आप तीसरा कर सकते हो। तो और इस चैप्टर से अगला चैप्टर बहुत ज़्यादा लिंक है, दैट इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इसी से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, नंबर ऑफ OH ग्रुप, कि भैया OH ग्रुप कितने हैं। मान के चलो कहीं पर एक OH ग्रुप है तो उसे आप लोग बोल दोगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, मान के चलो कहीं पर दो OH ग्रुप हैं तो उसे बोल देंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तीन OH ग्रुप हैं तो उसे बोल देंगे हम लोग ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। जैसे कि कार्बन की एक चेन है, उधर मान के चलो एक OH लग जाए तो मोनोहाइड्रिक, कार्बन की चेन है उधर दो OH लग जाते हैं तो उसे डाईहाइड्रिक, कार्बन की चेन है और उधर बेटा जी आपके तीन OH लग जाते हैं तो इसे आप लोग क्या बोल दोगे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल बोल देने वाले हो। क्लियर है, सिमिलरली फिनोल में भी आप कर सकते हो, जैसे कि बेंजीन पे मान के चलो भैया आपका एक OH लग जाता है तो इट इज मोनोहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, बाकी मैं दोबारा आप लोगों को बोलूंगा, पिछले चैप्टर में बोला था बेंजीन को ज़्यादा अच्छा लिखने का तरीका होता है ये। ठीक है, वैसे शॉर्टकट वो रिंग बना दो बढ़िया है, बट ये ज़्यादा सही तरीका है। अगर आप इधर दो OH लगा दो तो ये डाईहाइड्रिक फिनोल है, और मान के चलो इधर आपने तीन OH लगा दिए हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा ट्राईहाइड्रिक फिनोल बन जाएगा। क्लियर है, इसके बाद आप क्लासिफिकेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना, कि प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं। और जैसे इस चैप्टर में डिस्टिंक्शन टेस्ट आते हैं ना, डिस्टिंग्विश करने वाले, वो इसी बेस पे आते हैं कि आप लोग प्राइमरी अल्कोहल आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल हो गया, इसके अलावा आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, इसके अलावा आपका टर्सरी अल्कोहल हो गया, तो किसे कहते हैं भाई। देखिए, अल्कोहल किसे कहते हैं जब कार्बन की चेन पे एक OH लग जाता है, इट इज अल्कोहल। ठीक है, कार्बन पे जब एक OH लग जाता है, कार्बन पे जब एक OH लग जाता है, अब इस कार्बन की अगर आप नोटिस कर पा रहे हो एक बॉन्ड हो चुका है, दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, अगर इसका एक बॉन्ड कार्बन के साथ हो रहा है तो इट इज प्राइमरी, अगर इसके दो बॉन्ड कार्बन के साथ बन रहे हैं तो इट इज सेकेंडरी, और अगर इसके तीनों बॉन्ड ही कार्बन के साथ बन रहे हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा भैया, टर्सरी कहलाएगा। यहाँ पर आपके क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन लगे होंगे। क्लियर है, या फिर मैंने आपको सिंपल तरीका ये भी बताया हुआ है, देखिए कि मैक्सिमम डिग्री इधर 3 हो सकती है। ठीक है ना, तो जैसे आप लोगों को मैं पूछता हूँ CH3 CH2 OH, तो बताइए कितने डिग्री है। भैया जिस कार्बन से OH लगा होता है उसके लिए चेक करना होता है तो मन में नंबर रखो 3, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है ना, 3 - 2 दैट इज 1 डिग्री। ठीक है, जैसे कि CH3 CH3 OH किस कार्बन के लिए चेक करोगे आप, जिस पे कि OH लगाओ इस कार्बन के लिए,
मन में नंबर रखा 3, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0, 3 माइनस 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, इधर से 3 डिग्री हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट ऑन नोट। तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हो कि हाँ यार ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट इज एलाइलिक एल्कोहल। अब एलाइलिक एल्कोहल किसे कहते हैं, एलाइलिक वर्ड आप लोग पहले भी सुन चुके हो, जब डबल बॉन्डेड कार्बन से, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे OH लगा हो, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे OH लगा हो तो वो एलाइलिक एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, इसमें भी आप लोग क्लासीफाई कर सकते हो इसको। सर इसको कैसे क्लासीफाई करोगे, देखो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। एलाइलिक किसे कहोगे, जब डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे OH लगा हो। देखिए इसका एक बॉन्ड कार्बन के साथ है तो ये प्राइमरी है, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे OH लगा हो। इवन पिछले साल जो हमारे पेपर हुए हैं तो उसमें एलाइलिक वाला सीन था, इसलिए मैं बोलता हूँ बेसिक अच्छे रखा करो अपने, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका एक कार्बन लगता है। टर्सरी एल्कोहल किसे कहोगे, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, मान के चलो इधर, तो हमारे पास OH हो जाए, ठीक है ना। तो ये टर्सरी है भैया, क्या दिक्कत आ रही है, इसको चेक करना है ना। अब ये एक तरफ कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी, दो तरफ कार्बन जुड़ा है तो सेकेंडरी, और ये तीनों तरफ से कार्बन जुड़ गया तो ये टर्सरी। सिमिलरली इधर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है बेंजाइल अल्कोहल। अब आपको भी पता है कि बेंजाइल अल्कोहल किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है भैया बेंजाइल अल्कोहल, जब बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे OH लगा हो, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे जब OH लगता है तो उसे आप लोग क्या बोल देते हो, बेंजाइल। और इसके भी क्लासिफिकेशन आप लोग कर सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी वाला। देखो जैसे कि ये हमारे पास क्या है बेटा, बेंजाइलिक अल्कोहल है, ठीक है। बेंजाइलिक अल्कोहल में देखिए इस कार्बन को चेक करेंगे तो ये कार्बन एक तरफ कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो इट इज प्राइमरी। अच्छा आपसे ना ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी वाला कंसेप्ट हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज के लिए पूछा जाएगा। sp3 मतलब जो स्वयं सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, जैसे कि ये जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। अच्छा पहली बात है बेंजीन होगा, ये बेंजीन रहा आपका, बेंजीन पे कार्बन है, अब वो दो तरफ से कार्बन से जुड़ गया, एक तो बेंजीन वाला कार्बन, एक इस साइड कार्बन, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, सेकेंडरी। सिमिलरली ये कार्बन, ये तीन तरफ कार्बन से जुड़ गया तो इट इज टर्सरी, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विनाइल। विनाइल आपको पता है किसे कहते हैं, जब एग्जैक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही OH लग जाता है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही OH लग जाए तो वो विनाइल। और अगर यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो ये sp2 है। डायरेक्ट बेंजीन पे ही OH लग जाए, बेंजीन पे ही OH लग जाए तो इट इज फिनोल। आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार। नेक्स्ट आता है बेटा जी इनका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, है ना, कई सारे केसेस बन जाते हैं और इसमें ना कुछ कॉमन नेम होते हैं जो आपको अलग से याद रखने पड़ते हैं, ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा अभी। और NCERT में भी कई हैं और मैं NCERT साथ साथ इसीलिए रख के समझाता हूँ आप लोगों को, सो दैट कि ना तुम्हारे अंदर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार NCERT हम लोगों ने भी पढ़नी है। चलो पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कार्बन की एक चेन है, ठीक है, इधर OH लग गया तो ये दो कार्बन है, इथ सिंगल बॉन्ड है एन और वन पे OH है इथेन वनोल। जैसे कार्बन की एक चेन है, इधर OH लग गया तो क्या करोगे, ये कार्बन की चेन 1 2 3 4, तो इसे क्या बोल देंगे, ब्यूटेन, एंड टू पे OH है तो इट इज ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है ना। जैसे कि ये कार्बन की चेन है, इधर कार्बन लग गया, इधर OH लग गया तो क्या होगा भैया, देखो अब देखिए क्या होगा कि आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करना है, तो ये 1 2 3 4, ठीक है, कि वो जल्दी आए। अब आप देख पा रहे हो 3 पे इधर एक कार्बन है तो इसे बोल देंगे 3 पे एक कार्बन, क्या बोलते हैं बेटा, मिथाइल, और चेन में चार कार्बन है तो ब्यूटेन, एंड 2 पे OH है 3-methyl ब्यूटेन 2 ऑल, इसका नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये कार्बन की हमारे पास एक चेन है, इधर मान के चलो डबल बॉन्ड है, इधर आपका OH है, ओके, इधर आपका BR है तो इसका नाम क्या होगा भैया, चेन सेलेक्ट करेंगे। और हमारी प्रेफरेंस क्या होती है, हमारी प्रेफरेंस होती है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप जल्दी आए, फंक्शनल ग्रुप इधर से जल्दी आएगा 1 2 3 4 5, है ना। सब्सिट्यूएंट का नाम पहले होता है 3 पे BR है, 3 ब्रोमो,
एंड तभी बोलता हूँ कि बेसिक कर लिया करो। बेसिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 11th वाला बेसिक बहुत अच्छे से करवाए हैं। 3 ब्रोमो और चेन में कितने कार्बन है, 5, तो पेंट। 4 पे डबल बॉन्ड है, 4 इन, एंड 1 पे OH है, 1, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंट 4 इन 1 ओल। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ो। लाइक ना, अगर जैसे 2 कार्बन है और उन 2 लगातार कार्बन पे ना 2 OH लग जाए, ठीक है ना। अब देखिए भाई, अगर लगातार 2 कार्बन पे 2 OH लग जाएंगे तो आप लोग इसका नाम कैसे करोगे? सबसे पहली बात है ये करेंगे इथेन, 1 पे और 2 पे 2 OH है तो इसका नाम हो जाएगा इथेन 1,2-diol। और अगर आप इसका कॉमन नेम करना चाहते हो तो इसका कॉमन नेम भी बहुत पॉपुलर होता है, दैट इज ग्लाइकोल। ठीक है, जैसे कि अगर कभी ऐसा हो जाए 3 लगातार कार्बन है और उन 3 लगातार कार्बन पे 3 OH लग जाए तो इसे क्या बोलेंगे भाई, 1,2,3। ठीक है, तो इसे बोलेंगे प्रोपेन, 1,2,3, 3 बार OH है ना, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओ, या फिर इसका नाम हो जाएगा बेटा ग्लिसरोल। क्या बोल देंगे इसे, ग्लिसरोल भी बोल सकते हैं। इस तरह से नाम हो जाते हैं। ठीक है, बाकी और भी कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ही आ गया आपका। देखो, ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, है ना, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होता चलेगा। अब जैसे इसका नाम करना है हमने, तो इसका नाम क्या होगा, 1,2,3, 2 पे सब्सिट्यूएंट है, 2 मिथाइल है ना, और चेन में कितने कार्बन है, 3 है ना, तो प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल इसका नाम हो जाएगा। कहाँ दिक्कत आ रही है भाई, इस तरह से कर सकते हो। अब लेट्स कम टू बेंजीन। जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन पे अगर OH लग जाता है, अगर कभी बेंजीन पे OH लग जाता है तो इसे आप लोग क्या बोल दोगे बेटा, बेंजीन पे OH को आप सीधा बोल सकते हो फिनोल। अब बेंजीन पे OH लगा है बट उसकी एक पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है, तो उसे सिंपली बोलोगे, देखिए यहाँ पर आप फर्स्ट पोजीशन देने वाले हो फंक्शनल ग्रुप को और सेकंड पोजीशन देने वाले हो मिथाइल को, तो 2 मिथाइल और बेंजीन पे OH है फिनोल, तो इसको बोलते हो 2 मिथाइल फिनोल। बट इसका एक कॉमन नेम भी है जो बहुत पॉपुलर है, एंड दैट इज ऑर्थोक्रिसोल। ठीक है, अगर ऐसे ही ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो 3 मिथाइल फिनोल, या फिर इसे क्या बोल सकते हो भैया, मेटाक्रिसोल। ठीक है, और ऐसे ही अगर बेंजीन पे मान के चलो ये बेंजीन है ना, ये इधर OH है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल, और बेंजीन पे OH है, 4 मिथाइल फिनोल, या फिर इसे क्या बोल सकते हो, पैराक्रिसोल। अच्छा, 1,2 पोजीशन पे अगर 2 OH लग जाए, या तो आप इसे बोल दोगे बेंजीन 1,2-diol, या फिर इसे बोल दोगे कैटिकोल। 1/3 पोजीशन पे 2 OH लग जाए तो बेंजीन 1,3 पे 2 OH है, बेंजीन 1,3-diol, या फिर इसे बोल दोगे रिसोर्सिनोल। बेंजीन की 1/4 पोजीशन पे 2 OH लगे हुए हैं, बेंजीन 1,4-diol, या फिर क्यूनोल, या फिर हाइड्रोक्यूनोल। इनके ना एक कॉमन नेम से हैं, इनको थोड़ी सी ना प्रैक्टिस कर लेना यार, है ना, ये जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हो चुका है, लेट्स कम टू इथर्स। इथर्स भी इंटरेस्टिंग है ना। इथर्स का नाम कभी भी आप करते हो तो कैसे करते हो, जैसे कि ना ROR है, ROR, तो इसे क्या बोलोगे आप लोग हमेशा, एल्कोक्सी एल्केन। क्या बोलने वाले बेटा इसे आप लोग, एल्कोक्सी एल्केन बोल देने वाले हो। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये CH3 O CH3। अब जो आपका ऑक्सीजन है ना, जब आप ऑक्सीजन देने वाले हो वो लोअर वाले को देने वाले हो, बाकी इधर तो दोनों की जैसे थे, तो उसका नाम हो जाएगा मिथोक्सी मिथेन। ठीक है, जैसे कि ऐसा हो जाए CH3 O C2H5, तो इसका नाम क्या जाएगा, जो ऑक्सीजन है वो छोटे वाले को दोगे, जो छोटा कार्बन का ग्रुप है या जिसकी इज्जत थोड़ी कम है, तो ऐसे बोल दोगे मिथोक्सी इथेन। ठीक है, जैसे कि ये कार्बन कार्बन की, ओके बहुत शानदार, जैसे कि ये कार्बन कार्बन की आपकी चेन है, इधर ऑक्सीजन है और इधर कार्बन कार्बन की चेन है, तो आपको भी पता है कि आप किसको क्या मानने वाले हो। आप इसमें लोअर वाले को ऑक्सीजन दोगे, जैसे इसको आपने ऑक्सीजन दे दिया, तो इसका नाम हो जाएगा इथ ऑक्सी, और चेन में कितने कार्बन है, 4, तो इथ ऑक्सी ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा।
क्लियर है। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जितने मर्जी आप एग्जाम्पल करना चाहो उतने एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ऐसे हो गया, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, फिर ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। अब आप क्या करोगे, ऑक्सीजन लोअर वाले कार्बन को दोगे तो मिथोक्सी, और ये तीन कार्बन क्या कहलाएंगे, प्रोपेन, मिथोक्सी प्रोपेन, ठीक है। जैसे कि अच्छा ये हो जाए, जैसे कि बेंजीन है, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, बेंजीन है और बेंजीन पे लगा होगा OCS3। अब ये नाम एक हो जाएगा, इसे क्या बोल देंगे हम लोग, इट इज मिथोक्सी और बेंजीन। और ऐसे केसेस में ना कॉमन नेम भी होता है जो बहुत पॉपुलर है, इसको कॉमन नेम होता है एनिसोल। क्या बोलते हैं इसको, एनिसोल बोल देते हैं, याद रखना एनिसोल, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो जाए CH3, ये भी इंटरेस्टिंग है, CH3O, मैं इसको अगले पेज पे करवा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको भी। और इससे अगर आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में, अच्छा इस वन शॉट में ना मैं आपको कई सारे क्वेश्चन करवा रहा, और कई सारे जब मैं क्वेश्चन करा रहा ना तो आपके लिए फायदा रहेगा कि आप थोड़ा सा एक्टिव होकर पढ़ोगे कि आप सर कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। वहां से पता चलेगा कि आप लोगों को कितना ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि है CH3 O CH CH3 CH3, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द चेन। एक तो हम चेन सेलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली वो देखेंगे जहाँ पर ज़्यादा फायदा है, ठीक है। और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, 1 2 3, ये 2 पे है तो इसका नाम होगा 2 मिथोक्सी, और चेन में कितने कार्बन है, 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथोक्सी प्रोपेन, ठीक है ना। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मिथोक्सी प्रोपेन। बाकी जितने मर्जी एग्जांपल हैं प्रैक्टिस करते जाओ, उतना ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगता चलेगा। अब जैसे कि ये नाम है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम आ गया यार, इस वाले को देखो, ठीक है। तो इधर चेन सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत कम सी जगह बची है, जैसे कि इधर इसको हम लोग चेन सेलेक्ट कर लेंगे, ये 2 कार्बन को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2, इधर भी मिथोक्सी है, इधर भी मिथोक्सी है, इनको एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है। इसका नाम मतलब 1 2 डाइमिथोक्सी, और ये 2 कार्बन क्या कहलाएंगे, इथेन कहलाने वाले, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा नोमेनक्लेचर खत्म होता है। जब टाइम स्टैम्प्स देखोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर इस तरह से हो कि हाँ भैया पहले इंट्रोडक्शन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए जितने भी होते हैं ना, इनका फंक्शनल ग्रुप सबका, इनका स्ट्रक्चर लगभग सबका सेम ही होता है, बेंट और वी शेप टाइप से इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे कि ROH है, ये R, ये है O, इधर है H, है ना, ये इधर इनके लोन पेयर हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बेंट और वी शेप, ठीक है। ऐसे फिनोल है, जैसे कि बेंजीन, बेंजीन O H है ना, इधर इसके ये लोन पेयर हैं, ये फिनोल हो गया। इथर है, R O R, इस शेप को क्या बोलते हैं बेटा, बेंट और वी शेप। इस ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंट और वी शेप है, और ये जो ज्योमेट्री है ये टेट्राहेड्रल कहलाती है, ठीक है। अब फंडा होता है इनके बॉन्ड एंगल का, अगर आप बॉन्ड एंगल को अच्छे से देख पा रहे हो, और NCERT में क्वेश्चन भी है बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एल्कोहल का बॉन्ड एंगल देखते हो 108.9 डिग्री है, फिनोल का देखते हो 109 डिग्री है, और ये है 111.7 डिग्री। मतलब बोले तो आप लेफ्ट राइट जा रहे हो तो क्या होता जा रहा है कि बॉन्ड एंगल बढ़ता जा रहा है। और अगर आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करो, जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है ए ऐसे, इधर बॉन्ड पेयर बी 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 है ना, इसकी बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। आपको मतलब ये कभी ऑब्जर्व नहीं होगा कि यार ना जिसके पास लोन पेयर है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है जिसके पास सारे बॉन्ड पेयर हैं, कंफ्यूज मत होइए। देखिए इधर सारे बॉन्ड पेयर हैं, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, अब इसका कम है, इसका आप देखो 108.9 डिग्री है ना, इसका 109 डिग्री है, इन दोनों का इससे कम है, बट इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई इथर में ऐसा क्या हुआ कि उसका बॉन्ड एंगल बढ़ गया। तो देखिए ऐसा, अरे भाई बार बार क्यों आ रहे हो, तो ये जो कार्बन है ना बेटा, इधर होती है रिपल्शन, ठीक है, और रिपल्शन बॉन्ड पेयर, देखिए बॉन्ड एंगल जो होता है ना, बॉन्ड पेयर के बीच में देखा जाता है, मतलब इनके बीच में बॉन्ड एंगल देखा जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड एंगल देखा जाएगा, इनके बीच में। तो इधर जो बॉन्ड पेयर है इथर ग्रुप में, वो बल्कि बड़े हैं, बड़े ग्रुप एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल मारेंगे, और जब वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल मारेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। इवन एनसीईआरटी में, मतलब एनसीईआरटी देखो यार,
फिजिक्स की एनसीईआरटी में मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी जा सकती है अगर आप पढ़ने का प्रयास करो तो, ठीक है ना। क्या लिखा गया है भाई, इन इथर्स द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू द रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन द टू बल्की ग्रुप, ठीक है ना। यहां पर जो है बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इनिशियली हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स की, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो प्रिपेयर कर लेते हैं एल्कोहल्स को, किसने रोका है। सबसे पहले हम एल्कोहल्स को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अल्कीन, इंपॉर्टेंट है। इवन इसका मैकेनिज्म भी आता है और मैं कोशिश करूंगा मैकेनिज्म इसका ना अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। इस चैप्टर में तीन मैकेनिज्म बनते हैं, तो उन तीनों मैकेनिज्म को अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट कि वो वीडियो एकदम से आप लोग पढ़ो, क्योंकि उसमें थोड़ी मैकेनिज्म थोड़े से मुश्किल होते हैं और वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मांगते हैं, ठीक है। इस वन शॉट को नहीं डिस्टर्ब करेंगे। फ्रॉम अल्कीन, और अल्कीन में हम लोग क्या करने वाले हैं, कैटालिटिक हाइड्रेशन करने वाले हैं। कैटालिटिक हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी में पानी जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों ने पानी जोड़ना है, तो आप लोग पहली बात तो क्या करोगे, H2 जोड़ोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर आप मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करोगे, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगी, और मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है, नथु लाल हलवाई बोले तो नेगेटिव विल गोज टू लोअर हाइड्रोजन, जो नेगेटिव पोर्शन आप ऐड करते हो वो कहाँ जाता है, लोअर वाले हाइड्रोजन के पास जाता है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, जैसे कि है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप पानी ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एच पॉजिटिव कैटलिस्ट का रोल प्ले करे, ये क्या है, एच है एंड OH है, एच पॉजिटिव है OH नेगेटिव है, डबल बॉन्ड को किस में तोड़ दो, सिंगल में तोड़ दो, तो हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब एक जगह H भेज दो, एक जगह पे OH भेज दो, तो ये क्या बन गया, इथेनॉल बन गया, क्लियर है। अब आगे बढ़ो, जैसे कि हो जाए हमारे पास ना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर आप इसमें H2 जोड़ दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो क्या होगा भाई, इधर आप मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करोगे, तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड किसमें टूटेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल में CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, जो H2O है ये होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इधर आएगा। अब मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एडिटिव विल गोज टू दैट कार्बन हैविंग लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नथु लाल हलवाई, तो इधर आएगा OH और इधर चला जाएगा आपका H, तो ये H बन जाएंगे 3 और ये क्या बन चुका है, प्रोपेन 2O, क्या बन चुका है, ये प्रोपेन 2O बन चुका है, क्लियर है। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्ट प्रोपेन इनटू प्रोपेन 2O, तो आप मार्कोनिक ऑफ रूल लगाओगे, सिंपल ये वाली रिएक्शन करोगे, बट अगर आपसे अच्छा ये इसका मैकेनिज्म है और अगर आपको NCERT के अंदर मैकेनिज्म दे रखा है तो आपको वो करना चाहिए, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, डोंट वरी, वन शॉट के अगले दिन ही आपको मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अच्छे से करवा देंगे बहुत डिटेल में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक रिएक्शन आती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ। कौन सी रिएक्शन आती है भाई, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है ये पिछले वाले रिएक्शन का अपोजिट होती है, जैसे कि उस रिएक्शन में क्या था, उस रिएक्शन में डायरेक्ट हाइड्रेशन थी, डायरेक्ट आपने H2 ऐड किया था, इधर क्या होगा बेटा, इधर आपकी इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होगी। क्या मतलब होता है सर इनडायरेक्ट हाइड्रेशन का, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन का मतलब होता है कि आपको पानी दिखाई नहीं देता है कि आप ऐड कर रहे हो, बट पानी आप ऐड कर देते हो, ठीक है। अगली बात, इधर कौन सा रूल फॉलो किया जाता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो किया जाता है। अब जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है आप लोग उसमें क्या जोड़ते हो, B2H6 जोड़ते हो, इट इज नोन एज डाइबोरेन, बट एक्चुअल में यूज बोरेन करते हो, दैट इज BS3 एग्जिस्ट नहीं करता। अब BS3 की एग्जिस्टेंस के लिए आप लोग क्या करोगे, BS3 की एग्जिस्टेंस के लिए आप BS3 को लोगे विद THF, क्या लोगे बेटा जी, विद THF, THF इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन,
ठीक है, और जो कैटालिटिक हाइड्रेशन थी वो हो रही थी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, तो ये होगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। और आपको पता है अगर एंटी मार्कोनी को फ्लू लगाना है तो यहां पर आपको परोक्साइड लेना पड़ेगा H2O2। और क्या होता है एंटी मार्कोनी को फ्लू, आई होप आप सबको पता है, नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एडिटिव विल गोज टू दैट कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह से ये होने वाले हैं। याद रखना हाइड्रोग्रेशन ऑक्सीडेशन। अब मैं थोड़ा सिंपल फॉर्म में समझाता हूँ आपको मैंने क्या बोला है। जैसे कि आपके पास एक अल्किन है CH2, डबल बॉन्ड CH2, पेपर में लिखा सकता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लगाओ। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यानी बोरेन की जरूरत पड़ेगी BH3, बट BH3 तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा THF, ठीक है। और क्या करोगे आप लोग, हाइड्रोजन परोक्साइड लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो क्या होगा इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, मतलब पानी दिख भी नहीं रहा बट पानी ऐड हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। दोबारा करते हैं, जैसे कि ऐसा हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करनी, यानी कि यहाँ पर आप BH3 जोड़ोगे इन द प्रेजेंस ऑफ THF, याद रखिए THF लिखना पड़ेगा। इधर होगा हाइड्रोजन परोक्साइड इन बेसिक मीडियम, तो क्या होगा नथु हरा हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू हायर हाइड्रोजन, तो क्या होने वाला है CH3 CH डबल बॉन्ड किसमें टूट गया बेटा, सिंगल में, नेगेटिव विल गोज टू हायर, जो नेगेटिव पोर्शन है वो कहाँ जाएगा हायर के पास, यानी कि नेगेटिव इधर आ जाएगा और एच इधर। याद रखिए एंटी मार्कोनिकोव के बारे में पहले बोल चुका हूँ, हमेशा टर्मिनल पोजिशन पर ग्रुप लगते हैं, टर्मिनल बोले तो एंडिंग वाली पोजीशन पे। ये हमारे पास क्या बन चुका है प्रोपेन 1-1। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेन टू प्रोपेन 2-ol, जैसे कि यहाँ पर आपने प्रोपेन 2-ol बनाया है तो डायरेक्ट हाइड्रेशन करनी है, और अगर प्रोपेन 1-ol बनाना है तो आपने क्या करना पड़ेगा इधर इनडायरेक्ट हाइड्रेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, और ये सेम रिएक्शन आप लोग अगले चैप्टर में भी देखते हो, सेम रिएक्शन आप लोग अगले चैप्टर में देखते हो। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां पर कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल किसे कहते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जहां पर होता है, दैट इज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं भैया आपके पास, बहुत शानदार सर, एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग क्या करने वाले हो, जब आप एल्डिहाइड कीटोन्स से बनाओगे तो उनकी रिडक्शन करने वाले हो, एल्डिहाइड और कीटोन्स की क्या करने वाले हो, रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना आपको रिएजेंट मिले होंगे और आपको एकदम से समझना है यार ये आ गया ना तो ये यहाँ पर ये करेगा, ठीक है। तो अगर कभी भी रिडक्शन करनी है तो आप क्या कर सकते हो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हो। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है सर, आप इसमें क्या लेते हो, हाइड्रोजन लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम पैलेडियम और निकल, या फिर आप लोग क्या ले सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हो, या फिर इन सब के पापा होते हैं LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। जब कभी भी आप कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन करते हो, दैट इज एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन करते हो, तो क्या होता है, आपने कभी सोचा कि चलो ठीक है मैं एल्डिहाइड की रिडक्शन करना चाहता हूँ या मैं कभी कीटोन की रिडक्शन करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, एल्डिहाइड की रिडक्शन करोगे ना कभी भी तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, आपके लिए इजी रहेगी ये बात। अगर आप कीटोन की रिडक्शन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। बेटा बहुत सारे कन्वर्जन में ये चीजें काम आती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं। आप लोग सबसे पहले कर सकते हो कैटालिटिक रिडक्शन, और अगर कभी भी आपको कोई बोलता है कैटालिटिक रिडक्शन या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ज़्यादा अच्छा वर्ड है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, रिडक्शन का मतलब ही हाइड्रोजन जोड़ना या फिर ऑक्सीजन हटाना होता है। अभी आप हाइड्रोजन जोड़ने की बात कर रहे हो, हाइड्रोजन जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, हाइड्रोजन लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, इसके अलावा सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो सकता है मेरे भाई, क्या होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, दैट इज NaBH4, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज LiAlH4, ठीक है ना, LiAlH4।
क्लियर है, ये हो सकता है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे, जैसे कि आपने कोई एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे आपने ये ले लिया एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड टूटेगा और ये क्या बन जाएगा, आर इधर सी इधर ओ इधर एच, तो एक एच इधर आएगा एक एच इधर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने कीटोन ले लिया, कीटोन क्या होता है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर आपने लिया हाइड्रोजन और निकल ले लिया, तो क्या होगा बेटा ये टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बाकी आप इधर H2 निकल ले सकते हो, इसकी जगह पे मैं दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट लिख रहा हूँ NaBH4। आप समझ जाया करो कि यार अगर किसी के पास हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है ना, तो वो हाइड्रोजन देगा। अब जिसके पास जो ज़्यादा होगा, अब मान लो मुझे थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आती है तो मैं तुम्हें केमिस्ट्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, किसी को फिजिक्स ज़्यादा आती हो फिजिक्स है? अब अपना कैरी मिनाटी भैया उनको गाली ज़्यादा आती है तो गाली ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में तुम में से जितने को प्यार आते हो प्यार भरी बातें लिख देते हो, जितने को गुस्सा आ रहा होता है वो गुस्सा, मतलब जिसके पास जो है, अगर किसी के पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन देगा। अब जैसे ना KMnO4 होता है, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रीजन बिहाइंड दिस कि उनके पास ऑक्सीजन बहुत है, अब इनके पास हाइड्रोजन बहुत है तो हाइड्रोजन देंगे, ठीक है। जोत के मुताबिक ये क्या हो जाएगा CH3, ये C इधर, ये ऑक्सीजन और ये CH3। जब बॉन्ड टूटते हैं तो ऑब्वियसली बॉन्ड में कमी आई होगी, कार्बन के तीन बॉन्ड हो गए तो इधर एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड हो गया इधर भी, तो इसे बोल देंगे प्रोपेन, एंड टू पे OH है तो इसे बोल देंगे प्रोपेन टू ओ, क्लियर है। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर्स की भी रिडक्शन कर सकते हो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन के लिए आप लोग किसका यूज करते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। जब आप इसकी रिडक्शन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, आर सी एच टू ओ एच बन जाएगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, एल आई ए एल एच फोर, आर मतलब कार्बन, जैसे कि सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, किसकी प्रेजेंस में, एल आई ए एल एच फोर, तो क्या होगा भाई, यहाँ पर ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच। क्या कर दोगे, यहाँ से इस ऑक्सीजन को उड़ा दो, ये ऑक्सीजन बना रहा होगा पानी और इसके पास दो हाइड्रोजन लगे रहे होंगे, साइड में आप वाटर भी बना सकते हो, ठीक है। इथेनोइक एसिड से क्या बन गया आपके पास, इथेनॉल बन गया, इथेनोइक एसिड से इथेनॉल। सिमिलरली आप एस्टर लोगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब आप इसकी रिडक्शन करवाते हो, आप लोग इसकी रिएक्शन करवाते हो विद एच टू, तो क्या हो जाता है बेटा, अच्छा इधर आपको क्या देखने को मिलेगा, सो सॉरी इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए, ठीक है। एक तो बन जाएगा आपका आर डैश ओ एच, और यहाँ पर ये आर ये सी एच टू ओ एच, समझ में नहीं आया सर, दोबारा समझाओ। देखो जैसे कि ये सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एस थ्री, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इथाइल, इथाइल नहीं एक ही कार्बन है तो मिथाइल, मिथाइल, और ये दो कार्बन है, दो कार्बन क्या बोल देंगे, इथेनॉइड, मिथाइल इथेनॉइड। अब इसमें क्या करोगे, हाइड्रोजन जोड़ोगे, या फिर कह लीजिए इसकी क्या करने वाले हो, रिडक्शन करने वाले हो, तो क्या होगा भाई, आप लोग ऑब्जर्व करोगे, इसको यहाँ से ब्रेक डाउन कर दो, ये सी एस थ्री ये सी, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ऐसे ओ, और ये सी एस थ्री ओ, तो एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा और इधर सी एच टू ओ एच, तो एक तो क्या बन जाएगा, इट इज़ योर इथेनॉल और इट इज़ योर मिथेनॉल, बस कुछ नहीं है, हाइड्रोजन जोड़ने हैं। अब ये देख लेना कि कहाँ पर कितने जोड़ने हैं, क्लियर है, ये आपके लिए ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, सबसे मतलब वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे तरह की वैरायटी आप लोग देखने को मिलेगी आप लोगों को फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है ना, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से बहुत सारी वैरायटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले इधर आप लोग ले लेते हो फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट,
ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब फोकस कीजिए कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज RNGX। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हो। कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं बेटा, जैसे सी डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन कराते हो विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMGX। मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, क्या बोली थी भाई, जस्ट अ मिनट बेटा, कि जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है ना बहुत रिएक्टिव होता है, और मैं आपको बोलूं कि इसमें ना Mg पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस बॉन्ड को जब आप क्लीव करोगे, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को जब क्लीव करते हो तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ऑक्सीजन पे हल्का सा नेगेटिव आता है, कार्बन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव गोज टू नेगेटिव या नेगेटिव गोज टू पॉजिटिव, जैसे कि एक कार्बन इधर नेगेटिव है तो ये कार्बन पॉजिटिव की तरफ है ना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आए, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो बॉन्ड को अपनी तरफ खींच सकता है और ये पोर्शन इधर आ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, ये C इधर O, इधर आएगा R और इधर आएगा MgX। फिर आप लोग क्या करोगे, इसकी हाइड्रेशन करोगे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो क्या होगा, जो H2O है बेटा जी, इस बॉन्ड को क्लीव कर दोगे, यहाँ से इधर आएगा H, इधर आएगा OH, यहाँ पर क्या बन जाएगा C, इधर R, इधर OH और ये इधर MgX OH। क्या करें, दोबारा बताता हूँ। जैसे कि अच्छा, इसका फायदा यह है कि इससे आप प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हो, इससे आप लोग सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकते हो, इससे आप लोग टर्सरी अल्कोहल भी बना सकते हो, मतलब ऐसे बहुत कम मेथड है आपके पास जिससे आप तीनों तरह के बना सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने कार्बोनिल लिया, कार्बोनिल क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, इसके रिएक्शन करवा दिया आप लोगों ने विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMGX। अब देखिए, क्योंकि आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल मतलब एक कार्बन चाहिए, एक कार्बन आपके पास आ ही गया, तो आपको कार्बन के पास कोई कार्बन वाला ग्रुप नहीं चाहिए, आप सिर्फ हाइड्रोजन ले दो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आएगा, कार्बन गोज टू कार्बन RMGX, इधर यह आएगा कार्बन, इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इधर आएगा कार्बन और इधर आ जाएगा ओ, इधर MgX। फिर आप इसकी क्या करोगे, हाइड्रेशन करोगे H3O पॉजिटिव के साथ, तो इस बॉन्ड को जब करोगे, यहाँ पर क्या आएगा C, इधर H, H, इधर R, यहाँ पर O के पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, कार्बोनिल ग्रुप से स्टार्टिंग करोगे C डबल बॉन्ड O। अब इसकी रिएक्शन जब आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ कराओगे, एक कार्बन तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ आएगा, बट आपको तो दो कार्बन चाहिए, तो इस कार्बन के साथ भी एक कार्बन ले लो, इधर आएगा हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, ये C, इधर H, इधर R, इधर O, कार्बन गोज टू कार्बन, इधर क्या आएगा आपका R और इधर क्या आएगा बेटा MgX। फिर आगे इधर H3O पॉजिटिव, हाइड्रेशन करोगे तो इसके पास क्या आएगा, जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे, इधर H आएगा, इधर क्या आएगा OH, ये C, इधर H, R, R, O के पास आ जाएगा H। टर्शियरी अल्कोहल बनाना है, यानी कि C डबल बॉन्ड O, इधर ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे, दैट इज RMGX। अब एक कार्बन तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेके आएगा, बट आपको तो टर्शियरी के लिए तीन कार्बन चाहिए, तो इधर भी क्या करोगे, दो कार्बन ले लोगे, ठीक है ना। अब जो बनाना है ना, उसमें से एक माइनस करते हैं, जैसे कि आपने प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो वन इधर से ही आएगा, वन माइनस वन जीरो, यानी कि जीरो कार्बन चाहिए। आपने सेकेंडरी बनाना है टू, इधर से टू माइनस वन दैट इज वन, तो इधर एक कार्बन लेके चलोगे। टर्शियरी बनाना है तो थ्री माइनस वन, माइनस वन क्योंकि एक कार्बन तो आएगा ही, थ्री माइनस वन इज टू, तो आप इधर टू कार्बन लेके चलते हो, आर मीन्स कार्बन होता है। तो इसके बाद क्या ऑब्जर्व करोगे बेटा जी, आप लोग ऑब्जर्व करोगे, कार्बन गोज टू कार्बन, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ ना, इस बात में कन्फ्यूजन मत रखिए, और MgX इधर चला जाएगा, कार्बन इधर R, R, इधर R, इधर MgX, गलत लिख रहा हूँ, O के साथ MgX, O, MgX, ठीक है। फिर आप इसकी क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, पानी डाल के तोड़ दोगे इसको, ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, इधर H आ जाएगा। आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये क्या बन चुका है, ऑक्सीजन के पास H, ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल बन चुका है। अब पेपर में ना कई तरह से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि पेपर में क्वेश्चन आ गया कि कंप्लीट द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन कंप्लीट करनी है, आप लोग मुझे बताना है क्या बनेगा, ठीक है, उसका नाम बताना आप लोगों ने स्पेसिफिकली कि उसका नाम क्या बनेगा। जैसे कि आपके पास ये है, चलो C2
H5 आ सकता है पेपर में, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर है H, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराई है विद CH3 MgBr। इस रिएक्शन को कंप्लीट करो और बताओ इसमें आगे क्या बनेगा। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास तरीके हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को बनाने की विधियां। इसके बाद हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आ जाते हैं किसके भाई साहब, किसको बनाने के तरीके आते हैं, एक तो मैं खुद बोल जाता हूँ, ये बड़ी मेमोरी है मुझे। हाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। नेक्स्ट आएगा भैया हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। बताइए भैया फिनोल को कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले फ्रॉम हैलोरिन्स, और हैलोरिन्स से बनाने के लिए हम एक बहुत बढ़िया प्रोसेस का यूज करते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डोज प्रोसेस, है ना। हैलोरिन हैलोरिन में भी की थी हमने ये डोज प्रोसेस। क्या होती है डोज प्रोसेस? धिनचक पूजा, बी ए पास, धिनचक पूजा बी ए पास। मैं इसका सीन बताता हूँ कि एक एक वर्ड का मतलब क्या है। डोज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनता है, डोज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड एसिड, ठीक है। तो देखिए जैसे कि क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन इस बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा बेटा आपका, सीएल लगा होगा, ठीक है। फिर आप लोग क्या करोगे, बी ए पास का मतलब क्या है, एन ए एच लेना है और बी ए पास। अच्छा, इस चैप्टर में बहुत जगह आप देखोगे इस तरह से होते हो, बेस और एसिड एक ही साथ ले रखे हैं, वो कंडीशन बनानी पड़ती हैं, है ना, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। और ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब क्या है कि प्रेशर ले लो 300 एटमोस्फेरिक और टेम्परेचर ले लो 623 केल्विन। तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि ये सी एल हट जाएगा और इधर क्या लग जाएगा, ओ एच लग जाएगा, दैट इज फिनोल। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर आपका लग जाता है SO3H, इट इज बेंजोन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे विद NOH एंड H पॉजिटिव, तो ये सारा पोर्शन हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा OH और साइड में बच जाएगा NaHSO3। इस तरह से आपका बच जाने वाला, बेंजीन के ऊपर OH लग जाएगा सिंपली। NaOH लगा के आप सीधी जोड़ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, समझ में आया ना सल्फोनिक एसिड वाला, या नहीं? देखो इससे पिछला था फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। किसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड? जब बेंजीन के साथ SO3H लगा, इट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और ये बनेगा कैसे, जब बेंजीन की रिएक्शन कराऊंगा मैं विद ओलियम, ओलियम क्या होता है H2SO4, ठीक है। H2SO4 एक होता है इसमें, एक तो होता है H2SO4 और एक होता है SO3, है ना, वो SO3 उधर लिंक करवा दिया आपने, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन करवा दीजिए किसके साथ, विद NaOH एंड H पॉजिटिव। ये SO3 लग गया, H तो यहाँ से भी हटेगा, NaOH लग गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर सिंपली इसके ऊपर लग जाएगा OH एंड बेंजीन के ऊपर OH इज नोन एज फिनोल। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम डायजोनियम क्लोराइड। अब ये डायजोनियम क्लोराइड क्या होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही। किसे कहते हैं डायजोनियम क्लोराइड? जब बेंजीन के ऊपर लगा हो ब्रो N2Cl, जब बेंजीन के ऊपर N2Cl लग जाता है, इट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवा दीजिए वाटर के साथ। मैंने डायजोनियम क्लोराइड की, मैंने बोला था कि डायजोनियम क्लोराइड लगभग आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। जब भी आप डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हो विद वाटर, तो आप ऑब्जर्व करते हो कि यहाँ से क्या हो जाता है, सारा पोर्शन अलग हो जाता है, बेंजीन अलग, N2 अलग, Cl अलग, इधर से क्या जो इसका नेगेटिव पोर्शन है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इधर से जो नेगेटिव है OH इधर लग जाएगा और OH HCl, और ये बेंजीन के ऊपर OH क्या कहलाता है भैया, बेंजीन के ऊपर OH इज नोन एज फिनोल। क्लियर होती होना चाहिए। नेक्स्ट है क्यूमिन प्रोसेस, बहुत फेमस है। क्या सर मजे ले रहे हो, हर प्रोसेस को फेमस बोले जा रहे हो, मैंने एक वर्ड नहीं सुना कि ये फेमस नहीं है, फेमस है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, याद करोगे, हाँ यार अपना मोटा भाई सही बोल रहा था, इम्पोर्टेंट है। चलो तो क्यूमिन प्रोसेस की बात करते हैं। क्यूमिन प्रोसेस में होता क्या है,
देखिए, सबसे पहले आप क्यूमीन लेते हो, और क्यूमीन किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर लगा होता है सीएस। चलो मैं समझा देता हूँ, जैसे कि ये बेंजीन है। अभी पता है क्या, कई बंदे बोलते हैं कि सर ऐसी ट्रिक मत बनाओ, मे बी ये गलत भी हो सकती है, मतलब ये सही तरीका भी ना हो, बट मुझे ये सिंपल लगता है। ठीक है, आप लोग इसको अपने एंड से देख सकते हो। आप ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग क्या मानते हो, ये सही है या गलत है। मैंने इसको ऐसे याद रख रखा है, ओ कमीने फिनोल, ओ कमीने फिनोल, ओ कमीने फिनोल, मतलब क्यूमीन प्रोसेस में फिनोल बनाते हैं। कैसे, जो क्यूमीन है उसकी ऑक्सीडेशन करके। क्यूमीन किसे कहते हैं, जैसे कि ये है, इट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन सी एस, इसके ऊपर सी एस थ्री, इधर भी सी एस थ्री, इट इज क्यूमीन। ठीक है ना, इसकी आप ऑक्सीडेशन करते हो एंड इसको बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। तो इधर आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे बेटा, इधर आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि ना ऑक्सीजन कहीं बीच में चिपका है, ये सी एस थ्री, ये सी एस थ्री, इधर ओ ओ एच। ठीक है, क्यूमीन की ऑक्सीडेशन तो कर दी है, अब एक तरह से इंटरमीडिएट बन गया है, एच पॉजिटिव एच टू ओ लेना है और यहाँ से ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, ये चीज़। बल्कि ये प्रोसेस ना प्रोपेनॉन बनाने के लिए भी यूज की जाती है। हमारे पास ये बन चुका है सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री, और यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या बच गया मेरे भाई, बेंजीन के ऊपर बच गया है ओ एच, और बेंजीन के ऊपर ओ एच को क्या बोलते हैं हम लोग, फिनोल बोलते हैं। ठीक है, बेंजीन के ऊपर ओ एच को क्या बोल देंगे हम लोग, फिनोल बोल देंगे। क्लियर, ये ओ कमीने फिनोल है। अब मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि आप लोगों को ये ट्रिक कैसी लगी है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज समझते हो ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में दो ही प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज ओ बॉइलिंग पॉइंट और सोलिबिलिटी। किनका, बॉइलिंग पॉइंट का क्या फंडा है और सोलिबिलिटी का क्या फंडा है। तो बॉइलिंग पॉइंट के यार दो ट्रेंड होते हैं, है ना, मैं वो आपको क्लियर करता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये बात तो कॉमन है। अब पॉइंट नंबर टू पे आते हैं, मॉलिक्यूलर मास ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पॉइंट नंबर थ्री होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ, अगर उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब देखिए, जो अल्कोहल्स होते हैं ना, उनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। फिनोल्स के केस में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। हाइड्रोजन बॉन्ड पता है ना, हाइड्रोजन का अफेयर्स होता है, अफेयर होता है हाइड्रोजन का पड़ोसियों के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन ना अफेयर चला के रखता है किसके साथ, फोन के साथ। तो ये मोलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, भाई आपके पास ये है, दो कार्बन वाला OH है, बी तीन कार्बन वाला OH है, सी चार कार्बन वाला OH है, डी पांच कार्बन वाला OH है। अब मैं आपसे नन्ना मुन्ना क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि बताइए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो इसका सिंपल आंसर है कि यार हाँ, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप इसी को कंपेयर करते हो एक हाइड्रोकार्बन से जिसमें सिर्फ कार्बन है, जिसका मॉलिक्यूलर मास लगभग इतना रहे, ठीक है, और या फिर आप कंपेयर करते हो एक हैलोकेन से, तब भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब मॉलिक्यूलर मास से मैं, या इससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो, उनका मॉलिक्यूलर मास थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो, तब भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पास भीम की शक्ति नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड की शक्ति है। समझ लो कि भैया अल्कोहल में क्या पॉसिबल होता है, लिखा गया है, है ना। अब कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो साक्षात आपके सामने है। द ओ एच ग्रुप इन अल्कोहल एंड फिनोल इज इन्वॉल्व इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज शोन बिलो। अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है ना। देखो मेरे बबलो एक बार, तोबा तोबा तोबा, कितना बेसुरा गाते हो सर आप, प्लीज ऐसे मत कीजिए, हमने आपका क्या बिगाड़ी है। ओए राजू शादी मत करियो करियो,
वाइफ ताने मारेगी, कभी भी अपना पास शेयर मत करियो, वाइफ ताने मारेगी। प्रस्तुत पंक्तियां भारत जी ने लिखी हैं अपने असली वाकयात से। चलिए कम टू द पॉइंट, तो हाइड्रोजन है यार, है ना, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दिख रहा है तो वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सिमिलरली आप फिनोल के केस में भी देख सकते हो, फिनोल होते हैं जैसे बेंजीन OH है ना, जैसे कि आपके पास बेंजीन OH है, जैसे कि आपके पास बेंजीन OH है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन का एक जगह तो चल रहा है, एक जगह तो प्रॉपर बॉन्ड बना रखा है, बट अफेयर बाहर चल रहा है, इधर अफेयर चल रहा है इसका, इधर इसका अफेयर चल रहा है, तो ये मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, हमेशा याद रखिए। मैं आपसे पूछता हूँ एक नन्ना मुन्ना क्वेश्चन, बताइएगा ए, आपने मुझे बताना है कि इन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। अगर आप नाम लिख के बता दोगे कि मतलब कि जैसे इसका नाम क्या है भाई, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या कम है ऐसे, तो मतलब मजा आ जाएगा, मतलब मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ मैं जिन, देखो यार मैं एक बात आता हूँ इस साल ना, मतलब अगर मैं मेरे प्लस बैच की बात करूँ तो 4 बच्चों के 100 नंबर आए हैं, बहुत सारे बच्चों को 99 है, बहुत सारे बच्चों को 98 आए हैं, और यूट्यूब वालों को तो अभी मैं गिन भी नहीं रहा, बट मतलब यूट्यूब पे लास्ट टाइम बहुत लेट एक्टिव हुआ था, बट अभी मैं बहुत जल्दी एक्टिव हो गया हूँ यूट्यूब पे। तो मैं चाहता हूँ हमारे बहुत सारे बच्चों के 100 मार्क्स आए, ठीक है, और वो तभी आएगी जब आप थोड़ा सा डीप में पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो इसका आंसर जाना आप लोगों ने। तो चलिए ये तो बात हो गई है किसकी, आपकी बॉइलिंग पॉइंट की, और मैं आपकी जानकारी के लिए बताता भी चलूं कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोकार्बन्स का, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है हैलोकेन्स का, हैलोकेन्स से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है इथर्स का, इथर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड का, याद रखने काम आएगी चीज, एल्डिहाइड से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कीटोन्स का, कीटोन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अमाइंस का, अगर आप कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास लोगे, अमाइन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है ब्रो अल्कोहल का, और अल्कोहल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार, तो ये लिखा हुआ है आपका बॉइलिंग पॉइंट, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि ये प्रोपेन है, ये मिथोक्सी मिथेन है, ठीक है, ये है, अगर आप इनका मॉलिक्यूलर मास देखो तो लगभग सेम सेम सा ही है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगर आप बॉइलिंग पॉइंट में देखो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो अल्कोहल है दैट इज ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, लिखा भी गया है द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम विच इज लैकिंग इन इथर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। अब अगली बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है अबाउट सोलिबिलिटी, कि यार ये पानी में घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे। देखो यार ऑर्गेनिक कंपाउंड का पानी में घुलने का सिंपल सा फंडा है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है कि नहीं, तो इसका आंसर है ब्रो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और सिंस ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो ये पानी में घुल भी सकता है, ठीक है ना। अगर कोई भी, चाहे आप अल्कोहल हो चाहे फिनोल हो, और एक और बात होती है कि अगर ना कार्बन का ग्रुप बढ़ेगा, मैं लिखवा देता हूं अल्कोहल्स आर सोल्युबल इन वाटर, अल्कोहल्स आर सोल्युबल इन वाटर, व्हाई, बिकॉज दे कैन फॉर्म, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक है, वो पानी में घुल जाएंगे क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, एंड देयर सोल्युबिलिटी, एंड देयर सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा जो सोल्युबिलिटी है वो घटती चलेगी। अब क्वेश्चन आ रहा है सर ऐसा क्यों, सोल्युबिलिटी क्यों घट रही है मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से, क्योंकि जो कार्बन वाला पोर्शन होता है, जो हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है,
ड्यू टू द इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक पोर्शन, क्योंकि उधर हाइड्रोफोबिक पोर्शन बढ़ रहा है। समझ रहे हो? जैसे कि इधर दो कार्बन OH है ए, बी में आपसे पूछता हूँ तीन कार्बन वाला OH है, सी में आपसे पूछता हूँ चार कार्बन वाला OH है, डी में आपसे पूछता हूँ पांच कार्बन वाला OH है। अब मैं आपसे पूछता हूँ विच इज मोस्ट सोल्यूबल विच इज लीस्ट सोल्यूबल, तो भैया इट इज मोस्ट सोल्यूबल एंड ब्रो इट इज लीस्ट सोल्यूबल। ये हमारे पास मोस्ट सोल्यूबल है और ये हमारे पास लीस्ट सोल्यूबल है। गेटिंग माई पॉइंट ऑन नोट? आई थिंक तो आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है ना? समझ भी जाना चाहिए। आगे सोल्यूबिलिटी देखो, अगर आप दिखाना चाहो तो जैसे कि ROH है, अल्कोहल है, ठीक है, अच्छे से ऐसे दिखा सकते हो ROH, और जैसे कि पानी है HOH, तो ये इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं भाई, इधर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं तो वो पानी में घुल भी सकते हैं। क्लियर है? यही बातें होती हैं। फिनोल भी घुल जाते हैं बट उसमें हाइड्रोफोबिक चेन बहुत बड़ी होती है तो वो थोड़े कम सोल्यूबल होते हैं। देखिए क्या लिखा है, लोअर मॉलिकुलर मास अल्कोहल आर मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, कुछ भी हो जाए वो बढ़िया से घुलेंगे। तो ये यहाँ पर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल। आगे आती हैं भैया इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले हमारे अल्कोहल एंड फिनोल दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो सबसे पहली बात होती है इनकी एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर किसे कहते हैं? जो एच पॉजिटिव को रिलीज करता है। तो मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, फिनोल्स आर मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनोल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। सर ऐसा क्यों है, फिनोल ज़्यादा एसिडिक क्यों है, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बट एक दो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में भी आएगी। जैसे कि ROH है, मैंने बोला कि इसने एच पॉजिटिव रिलीज कर दिया, अल्कोहल ने एच पॉजिटिव रिलीज कर दिया, बन जाएगा RO नेगेटिव, इट इज एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, जैसे कि फिनोल है, फिनोल इज बेंजीन OH, ठीक है, इसने एच पॉजिटिव रिलीज कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन। ठीक है, अब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया दोनों पे, है ना, एच पॉजिटिव रिलीज कर दिया, और अगर कोई एच पॉजिटिव, देखो एसिड किसे बोलते हैं, विच कैन रिलीज एच पॉजिटिव, जो एच पॉजिटिव रिलीज कर सकता है। अब इन दोनों ने एच पॉजिटिव रिलीज कर दिया, अब एक एल्कोक्साइड आयन बन गया, एक फिनोक्साइड आयन बन गया, तो अब नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि नेगेटिव चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। अब कौन उस नेगेटिव चार्ज को लेकर स्टेबल हो गया है, किसका नेगेटिव आयन स्टेबल है, तो फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। क्यों सर, ऐसा क्या है इसके पास? भैया जहां पर बेंजीन होती है ना वहां पर रेजोनेंस की शक्ति होती है, आप लोग क्या लिखोगे, ड्यू टू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब ये रेजोनेंस क्या वाला है सर, अरे मेरे भाई ऐसे करोगे क्या, ये जो इधर इसके पास लोन पे है, ये जो डेंसिटी बड़ी है, ये इनको घुमा सकता है, ये इसको इधर उधर घुमाता रहेगा, है ना। रेजोनेंस किसे कहते हैं, रेजोनेंस किसे कहा जाता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को घुमाता रहेगा, और घुमाता रहेगा तो स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो याद रखिए जो फिनोल्स होते हैं वो बहुत एसिडिक होते हैं, ठीक है, अल्कोहल इतने अच्छे एसिड नहीं होते, ठीक है। एक चीज और मैं आपसे पूछता हूं, ये देखिए ये यहां पर एसिडिटी ऑफ फिनोल लिखा गया है और यहां पर फिनोल की रेजोनेंस डिस्कस की गई है, बोलो तो मैं बना के दिखाता हूं, रेजोनेंस इन फिनोल, रेजोनेंस इन फिनोल, रेजोनेंस इन फिनोल, फोकस कीजिएगा। देखिए ये हमारे पास बेंजीन OH है, रेजोनेंस बिल्कुल डिट्टो कॉपी है जैसे हैलोरिन्स की होती थी, ठीक है, क्या पाई सिग्मा लोन पेयर,
एक कंजुगेशन है, कंजुगेशन है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव करना स्टार्ट करेंगे, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर। क्या ऑब्जर्व करोगे आप लोग? आप लोग ऑब्जर्व करोगे ये इधर ही हो गया ओ एच, ठीक है। इसने अपने लोन पेयर को आगे भेज दिया, बॉन्ड बना दिया, और इसने अपने बॉन्ड को आगे भेज दिया, लोन पेयर बना दिया, बाकी एज इट इज। अगेन ये भी कंजुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर। कंजुगेशन इज लाइक एक विकार, एक बीमारी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना स्टार्ट होना पड़ता है। और रेजोनेंस मैंने सिंपल शॉर्टकट बना रखा है, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेंगे और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बनेंगे। फोकस कीजिए, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया है बॉन्ड, और इससे अगला बॉन्ड क्या बना रहा है भाई इलेक्ट्रॉन। तो आगे क्या होगा नोटिस कीजिएगा, आप इनको आगे भेजोगे इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कुछ इस तरह से, ये डबल बॉन्ड है, ये OH है, ठीक है। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आगे गए तो बॉन्ड बनाया, और इधर ये एज इट इज, ठीक है ना। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे बॉन्ड, और इससे अगला बॉन्ड क्या बना रहा होगा बेटा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, यही चीज बार बार चलती चलेगी, इस बात को मान जाइए आप लोग, ठीक है। ये बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा इधर, और ये इन बॉन्ड से क्या बन जाएंगे इधर इलेक्ट्रॉन्स। फिर पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन है, फिर इसको आगे मूव करेगा, और इसको ऐसे ऐसे याद रखो, मैं बताता हूँ याद कैसे भी रख सकते हो, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ कैसे याद रखो। हर जगह पे मैंने क्या किया है, मैंने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाए हैं और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, तो इलेक्ट्रॉन से इधर बॉन्ड बना दो, ये बॉन्ड बन गया, और इस बॉन्ड से क्या बना दो बेटा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना दो, और इससे अगला बॉन्ड क्या बना रहा होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना दो, और इससे अगला बॉन्ड क्या बना रहा होगा, यही प्रोसेस चलती चलती है, ठीक है ना। तो यही लिखा गया है। और हमें कैसे पता चला कि फिनोल एक अच्छा एसिड होता है? भैया हमने फिनोल को ना ट्रीट करके देखा, फिनोल को हमने ट्रीट करके देखा, किसके साथ ट्रीट करके देखा सर? मेटल्स के साथ। अब एसिड किसे कहते हैं? जो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप कोई फिनोल लोगे, आपने फिनोल लिया और उसकी रिएक्शन करवा दो, जैसे कि फिनोल है, ठीक है, और इधर उसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ? एक एक्टिव मेटल के साथ, दैट इज सोडियम। तो ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देंगे, ये क्या बन जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड ONA, ठीक है, और इधर से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ये बन जाएगा बेटा सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। और भी कोई मेटल हो सकती थी, या फिर आप अल्कोहल के साथ भी कर सकते हैं, अल्कोहल भी शो कर सकते हैं इस रिएक्शन को, बट इतनी मजे वाली बात नहीं होती, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? सोडियम एल्कोक्साइड RONA, ठीक है, इसने एच को रिलीज किया और यहाँ से क्या बन गई? हाइड्रोजन गैस। ये ज़्यादा बढ़िया एसिड होते हैं फिनोल्स, याद रखिए बहुत अच्छे एसिड होते हैं, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, जो फिनोक्साइड आयन बनता है एच को रिलीज करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनता है ये इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगेन ये बात बेसिक में आएगी, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अगर कहीं पर प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे होते हैं? जैसे कि अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, मिथाइल इथाइल ये सब, या एल्कोक्सी ग्रुप जो होते हैं, ये करते हैं डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। कहीं पर भी अगर ये बढ़ते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं, लाइक NO2 बहुत बढ़िया है, लाइक Cl, Br, CWH, ये सब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, इंक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। सर कैसे कह रहे हैं ये बात, मैं कहता हूँ, जैसे कि ना फिनोल है, आपको भी पता है फिनोल इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इधर मिथाइल लगा दिया OH, और इधर मैंने लगा दिया CH3, तो याद रखिए बेटा इसने क्या कर दिया है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा दिया है। मैंने इधर लगा दिया क्या, NO2 लगा दिया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई है, एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर इंक्रीज हो गई है,
और इधर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटा, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन देना किसकी नेचर होती है, बेस की। हमें कैसे पता चलेगा सर, बीडी याद रखिए, बीडी, बीडी का मतलब जो बेस होते हैं वो डोनेट करते हैं, ये डोनेटिंग ग्रुप है। तो डोनेटिंग ग्रुप मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। तो इधर कौन सा इफेक्ट आएगा, प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा जी, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, इधर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई है। अच्छा एक होता है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड। अगर आपसे कोई पूछ रहा है के ए का ऑर्डर बताओ, इट मीन्स वो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है। के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, इट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ ही है। और एक होता है पी के ए, पी के ए का मतलब होता है नेगेटिव लोगारिथम ऑफ के ए, नेगेटिव ऑफ के ए, या कह लीजिए पी के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। कैसे कह रहे हो सर, देखो अगर कहीं पर के ए की वैल्यू दे रखी है दो तीन सब्सटेंस के लिए और आपसे पूछा जाए इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए क्या, और के ए की वैल्यू जैसे बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ेगी, पी के ए की वैल्यू जितनी बढ़ेगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जा रही है। जैसे ना एक टेबल बना रखी है एनसीईआरटी के अंदर, फोकस कीजिएगा, जैसे इधर पी के ए की कुछ वैल्यूज लिख रखी हैं 7.2, 8.3, 7.1 पी के ए की वैल्यूज। अब मैं आपसे पूछता हूँ उनमें से बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो सिंपल सी बात है भैया, जिसकी पी के ए की वैल्यू सबसे ज्यादा है वो सबसे कम एसिडिक है। यानी कि इधर मेटा नाइट्रोफिनोल सबसे क्या है ब्रो, बोलते काहे नहीं हो। अच्छा इस पूरी टेबल में अगर मैं उससे पूछता हूँ, इस पूरी टेबल में, पूरी टेबल में ध्यान से देख लो, बहुत सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, कमेंट सेक्शन में बताना आपने। और क्योंकि देखो बोर्ड्स के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो टेबल्स देखनी भी आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को मुझे बताना है कि इस टेबल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू मोस्ट एसिडिक लीस्ट एसिडिक कौन है। हिंट देता हूं, पी के ए की वैल्यू जितनी बढ़ती है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी घटती है। क्लियर है, तो ये बात होगी एसिडिक स्ट्रेंथ की। और इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली रिएक्शन आती है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट होती है भैया एस्टरीफिकेशन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग एस्टर कहते किसे हैं। एस्टर कहा जाता है आर सी डबल ओ आर डैश को, तो आप इसका नाम पहले करते हो, इसे क्या बोलते हो बेटा जी आप लोग, एल्काइल। और इसे क्या बोलते हो आप लोग, अभी बताया ही है मैंने, इट इज एल्कानोइड, ठीक है ना। अब बहुत सारे तरीके से बना सकते हो, आप लोग को अल्कोहल लेना है, अल्कोहल में से एक्चुअल में एच निकलता है, ठीक है ना। उसकी रिएक्शन आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवा सकते हो, उसकी रिएक्शन आप एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ करवा सकते हो, उसकी रिएक्शन आप लोग एसिड क्लोराइड के साथ करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया ब्रो आपके सामने, यहाँ पे हम लोग करते हैं कि आप लोगों ने आर ओ एच ले लिया, या ना पहले कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी डबल ओ एच, और इधर मैं ले लेता हूँ आर डैश ओ एच, ठीक है। तो होगा क्या, इसका ये ओ एच और इसका एच बाहर निकल जाएगा। अच्छा ये जो प्रोसेस होती है ना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, और वाटर निकालना, डिहाइड्रेशन करनी है ना, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होती है, तो आप लोग इधर एच पॉजिटिव लेते हो, पानी निकलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये बन जाएगा R C O O R डैश, नाम इसका एल्काइल और इसका होगा एल्कनोइड। R कार्बन ले लो, जैसे कि हमने लिया सी टू एच फाइव सी डबल ओ एच, और इसकी रिएक्शन करवा दी आप लोगों ने विद सी एच थ्री ओ एच के साथ, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से इसका ओ एच जाएगा भाई और इसका एच जाएगा, तो यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एसिड की प्रेजेंस में होगी, यहाँ से एच टू बाहर निकलेगा और यहाँ पर C2H5COOCH3, नाम पहले इसको होगा, इसका नाम होगा एल्काइल और इसका नाम होगा प्रोपानोइड। आप इसकी रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ भी कर सकते हो, जैसे कि आपके पास ये है C, जैसे कि ये ले लिया CH3OH और इसकी रिएक्शन करा दिया आपने किसके साथ, C2H5COOCH5, ठीक है। तो क्या होने वाला है, आपका यहां से निकल जाएगा ब्रो H, किसके
किसके साथ? इसके साथ, ठीक है ना, इसका एच निकल जाएगा इसके इस पोर्शन के साथ, और बाकी आपका क्या बच जाएगा? सी एस थ्री, गलत तो नहीं लिखा मैंने, गलत लिख लिया है, इसका एच जाएगा, सो सॉरी, इसका एच जाएगा इस पोर्शन के साथ, ठीक है ना, ये बन जाएगा सी टू एच फाइव सी डबल ओ ओ एच, और इधर क्या बचेगा? सी एस थ्री ओ सी डबल ओ सी टू एच फाइव, जो सिन के साथ लगा होता है ना उसका नाम पहले होता है, इसका नाम आ जाएगा मिथाइल प्रोपानोट। इसी तरह से आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा सकते हो विद एसिड कोलाइड, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने एक एसिड कोलाइड लिया सी एस थ्री सी डबल ओ सी एल, और इसकी रिएक्शन करा दिया आप लोगों ने विद सी एस थ्री ओ एच, फोकस कीजिएगा, अब यहाँ पर क्या बाहर निकलेगा आपका? एच सी एल, ठीक है ना, तो अब क्या होगा? एच सी एल इज एन एसिड, ठीक है, एसिड को बाहर निकालने के लिए हम बेस लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे पिरिडीन, क्या ले लेंगे? पिरिडीन एक बेस होता है, यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा? सी एस थ्री सी डबल ओ ओ सी एस थ्री, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है उसका नाम पहले होगा, कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका नाम क्या होने वाला है। सिमिलरली आप लोग क्या भी कर सकते हो भाई, और भी कई सारी रिएक्शन हो सकती हैं। नेक्स्ट करते हैं, ये रिएक्शन मैंने ना एल्गोल्फिनोनिथ्रे में टाल दिया था आप लोगों को, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, इस रिएक्शन को करवाता हूँ मैं। जैसे कि आप लोगों ने क्या लिया, आपने सबसे पहले ले लिया आर ओ एच, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दी आप लोगों ने विद एच एक्स, या कह लीजिए एच सी एल के साथ एच एक्स करवा दी, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे इस ओ एच को हटा के इधर क्या लग जाएगा? एक्स लग जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा आर एक्स, और प्लस में क्या बन जाएगा? एच टू। अगर मैं इसी की रिएक्शन, जैसे आर का मतलब होता है कार्बन, है ना, या फिर इस आर ओ एच की रिएक्शन करवा देता हूँ विद एच सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ जेड एन सी एल टू, तो क्या होगा? यहाँ से इस ओ एच की जगह पर कौन चला जाएगा? सी एल चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा? आर सी एल, और ओ एच तो उधर चला गया, ये क्या बन जाएगा? एच टू। अब आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बात बताता चलूँ कि ये जो मिक्सचर ऑफ एच सी एल एंड जेड एन सी एल टू है, मिक्सचर ऑफ एच सी एल एंड जेड एन सी एल टू इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं भैया इसे? लुकास रिएजेंट बोलते हैं, और इस रिएक्शन को लुकास टेस्ट बोलते हैं। लुकास टेस्ट किस काम आता है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। सर ये किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकता है? देखिए, ये हमारे पास एक हैलोकेन बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया, और ये पानी है, तो ये इनसोल्यूबल होते हैं, ये पानी में, वो कहते हैं ना पति पत्नी का रिश्ता पानी और मिट्टी की तरह होता है, और जब वो मिल जाते हैं तो वो कीचड़ कीचड़ हो जाता है, कम टू द पॉइंट। तो ये हैलोकेन्स और पानी इनसोल्यूबल है, फिर हम इनको मिला देते हैं तो कीचड़ कीचड़ हो जाता है, इसे बोलते हैं टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन, गंदलापन, बहुत ही गंदा सा पानी बन जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो लुकास टेस्ट है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ, लुकास टेस्ट फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। किसको फॉलो करता है? SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म क्या होता है? सबसे बढ़िया टर्शरी के साथ, फिर सेकेंडरी के साथ, और फिर प्राइमरी के साथ। देखिए क्या होगा, जैसे कि आपने सबसे पहले ले लिया टर्शरी अल्कोहल लिया, ठीक है, टर्शरी अल्कोहल इज सी ओ एच, इधर क्या आएगा? सी एस थ्री, इधर क्या है आपका? एस सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ जेड एन सी एल टू। टर्शियरी अल्कोहल है ना, एकदम से ये ओ एच और ये सी एल इधर एकदम से जाएंगे, ये हो जाएगा सी, इधर सी एस थ्री, इधर सी एल, और प्लस में एच टू। यहाँ पर क्या लिखोगे? टर्बिडिटी अपीयर्स, यहाँ पे टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी इमीडिएटली, एकदम से, है ना, एकदम से बहुत धुंधलापन गंदलापन सा अराइज हो जाएगा। अगर यहाँ पे टर्शियरी की जगह मान के चलो हम लोग ले लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल के साथ आपको क्या देखने मिलेगा? जैसे सी ओ एच है ना, इधर होगा आपका सी एस थ्री
एच इसकी रिएक्शन करा दी आप लोगों ने विद एस सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ वट इन द प्रेजेंस ऑफ जेड एन सी एल टू, तो इस ओ एच की जगह पर कौन चला जाएगा, सी एल चला जाएगा, ये बन जाएगा सी, इधर सी एस थ्री, सी एस थ्री एच इधर चला जाएगा सी एल और ओ एच उधर चला गया, प्लस में क्या बन जाएगा आपका एच टू। ठीक है, यहाँ पर अब इस रिएक्शन को होने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, टर्बिडिटी अपीयर्स इन 5 मिनट, इस रिएक्शन को होने में 5 मिनट का समय लगता है। अगर यहीं पर मैं मान के चलो प्राइमरी अल्कोहल ले लेता हूँ, मान के चलो हमने क्या ले लिया, प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, तो प्राइमरी अल्कोहल के साथ कितनी देर में होगी, जैसे ये है सी एच टू सी एच थ्री ओ एच है, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने विद एच सी एल एंड यहाँ पर ले लिया जेड एन सी एल टू लुकासी एजेंट। ठीक है, इस ओ एच की जगह पर कौन चला जाएगा, सी एल चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एल, सी एल उधर गया ओ एच इधर, प्लस में क्या बन जाएगा एच टू, कम टू द पॉइंट। अब जैसे बन गया है तो यहाँ पर टर्बिडिटी अपियर हो गई है ना, बट नहीं होगी, ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल में रिएक्शन बहुत टाइम लेती है, इवन इसको गर्म करना पड़ता है तभी ये रिएक्शन होती है, अदरवाइज होती नहीं है। तो आप लोग क्या लिखोगे, टर्बिडिटी टर्बिडिटी अपियर्स ऑन हीटिंग, जब आप गर्म करोगे तभी इधर टर्बिडिटी अपियर होगी, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं बनता है कि इधर टर्बिडिटी आ जाए। क्लियर है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, बहुत बढ़िया, ये ट्राई हैलाइड पेंटा हैलाइड वाली रिएक्शन आप लोगों ने देखी होंगी, फिर भी मैं बता देता हूँ ना, अब मैं एक एगेंट डालूंगा, ये तुमने हैलोजन हैलोजन में कर ली होगी, डोंट वरी, करवा देता हूँ। जैसे आर ओ एच है, आर ओ एच की रिएक्शन करवाते हो विद पी सी एल फाइव फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो पी है सी एल 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 है, तो इसकी जगह पर ये चला जाएगा है ना, इस ओ एच की जगह पर सी एल, ये क्या बन जाएगा आर सी एल सी एल, उधर गया उधर से इधर क्या आएगा ओ एच, तो क्या बन जाएगा आपका, एक तो बन जाएगा आपका एच सी एल और एक क्या बन जाएगा आपका पी ओ सी एल थ्री, आर का मतलब कार्बन होता है सी टू एच फाइव ओ एच, इसकी रिएक्शन करवा दो विद पी सी एल फाइव, तो यह है पी सी एल सी एल सी एल सी एल सी एल, तो ये सी एल इधर चला जाएगा इस ओ एच की जगह पर, ये क्या बन जाएगा सी टू एच फाइव, सी एल सी एल उधर गया उधर से इधर क्या आएगा ओ एच, तो ये क्या बन जाएगा प्लस में, एक तो एस सी एल बन जाएगा और एक बन जाएगा पी ओ सी एल थ्री, है ना। आप पी सी फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड भी हो सकता है इधर, जैसे कि हमारे पास ना आर ओ एच है, इसकी रिएक्शन करा दी आपने विद फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड के साथ याद रखना कि इसको भी 3 टाइम्स लेना पड़ेगा, इन 3 ओ एच की जगह पर 3 हैलोजन चले जाएंगे, ये क्या बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ आर एक्स, है ना, तो इधर आएंगे ओ एच थ्राइस आ जाएगा पी ओ एच थ्राइस, और पी ओ एच थ्राइस को क्या लिख सकते हो एस थ्री पी ओ थ्री लिखा जा सकता है सिंपल वे में, क्या दिक्कत आ रही है, दोबारा बताऊँ क्या, जैसे कि आपने ले लिया सी टू एच फाइव ओ एच, ये 3 टाइम्स है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी है विद पी सी एल थ्री, क्या हो जाएगा भैया इन 3 ओ एच की जगह पर 3 सी एल चले जाएंगे, है ना, सी टू एच फाइव ये सी एल चले गए इधर, इधर से इधर कहेंगे ओ एच, ये हो जाएगा पी ओ एच थ्राइस, या फिर आप लोग क्या लिख सकते हो एच थ्री पी ओ थ्री, गेटिंग माई पॉइंट, तो इस तरह से होगा। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं भैया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन, और इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म आता है। डिहाइड्रेशन वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है सिंपल रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, डी ई वर्ड का मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी, पानी निकालना है। और इधर ना जब आप इसका मैकेनिज्म करते हो तो आप देखते हो कि इधर क्या होता है, एक तो मैं खुद भूल जाता हूँ, हाँ इधर कार्बोकैटायन बनता है, और ऑब्वियसली अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मैटर करती है, तो इधर आप देखते हो कि इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जब आप डिहाइड्रेशन करते हो, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर लिख सकते हो, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, मैं भी कहूँ यार लिखने में ना मज़ा सा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि पेन की जो मोटाई है वो थोड़ी ज़्यादा थी।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, एच पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एसिड लेना पड़ेगा। एसिड का मतलब है H2SO4 या फिर H3PO4, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि आपके पास ये है सी सी, इधर एच एच, इधर एच एच, इधर एच ओ एच, इन द प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव होगी। और यहाँ पर ना एक तरह से बीट एलिमिनेशन होती है। बीट एलिमिनेशन समझते हैं ना, जिस कार्बनिक ग्रुप लगा है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसे नेक्स्ट बीटा होता है। तो ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, ठीक है, ये चीज़ बाहर निकल गई, ये क्या बन जाएगा सी एच एच, इधर सी एच एच डबल बॉन्ड। और ये हमारे पास क्या बन चुका है, इट इज़ योर एल्कीन। क्या बन चुका भाई, ये एल्कीन बन चुका है, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ती बात करती। अब देखिए कई तरह के आप लोगों ने अल्कोहल ले लिए, मतलब टर्सरी अल्कोहल लिया, सेकेंडरी अल्कोहल लिया, प्राइमरी अल्कोहल लिया, सेम होगा है ना। तो अल्कीन बनता जाएगा, कोई सा भी अल्कोहल ले लो। जैसे कि आप इधर ध्यान देते हो, ये हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है, अल्कीन बन गया। सेकेंडरी अल्कोहल है, अल्कीन बन गया। प्राइमरी अल्कोहल है तो भी अल्कीन बन गया। बट आप कंडीशन देखो, सब में एसिड लिया है, बट एसिड की प्योरिटी मैटर करती है। इसमें 85% ऑफ H3PO4 है, इधर 20% ऑफ H3PO4 है, और इधर टेम्परेचर है 358 केल्विन। टर्सरी में टेम्परेचर कम लेना पड़ा, इधर 440 केल्विन और इधर है 443 केल्विन। मतलब क्या है, अब रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लो भाई, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। सबसे फास्ट रिएक्शन होती है टर्सरी के साथ, उससे कम सेकेंडरी एंड उससे कम प्राइमरी। ये है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कि सर ये हुआ कैसे है। देखो जैसे कि मैं टर्सरी का एग्जांपल करके समझाता हूँ आपको, शायद थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाए। ये कार्बन है, इस कार्बन पे OH लगा है ना, इधर है CH3, इधर है CH3, इधर है CH3। जिस कार्बन पे OH लगा है वो अल्फा, उससे नेक्स्ट क्या होगा बीटा। तो यहाँ से ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, OH और H। यहाँ पर क्या लोगे, H पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर नहीं भी आ जाते कोई दिक्कत नहीं, हीट का साइन डाल देना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा CH3 CH3। और यहाँ पर क्योंकि इसका OH गया है, इसका H गया है, तो इनके बीच में क्या जाएगा डबल बॉन्ड CH2। और बेटा जी हमारे पास क्या बन चुका होगा, अल्कीन। और NCERT साथ में रखने का रीज़न सिर्फ यही है कि आपको सब कुछ क्लियर होता चले कि हाँ हम कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ इंक्लूड करते जा रहे हैं। ये इसका मैकेनिज्म है, करेंगे अलग से, डोंट वरी। नेक्स्ट एक्शन होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो इस पे आप ऑक्सीजन जोड़ो या आप इससे हाइड्रोजन हटाओ, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप अल्कोहल को देख पा रहे हो, ये हमारे पास एक अल्कोहल है, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन्स को हटाओगे। एक हाइड्रोजन हटाओगे कार्बन वाला और एक हाइड्रोजन हटाओगे ऑक्सीजन वाला, और अल्कोहल आपका किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, कार्बोनिल ग्रुप में, कार्बोनिल ग्रुप में। और कार्बोनिल ग्रुप अभी मैंने बताया था, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या होता है, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, जब भी आप एल्डिहाइड या फिर कीटोन की प्रोडक्शन करते हो ना, उसमें हाइड्रोजन जोड़ते हो, तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जब भी आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो ना, तो वो एल्डिहाइड या कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस का दूसरा नाम क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को निकालना, हाइड्रोजन को निकालना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, और यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम चल जाएगा। जो ठीक ठाक से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनसे आप लोग काम चला सकते हो, और स्ट्रॉन्ग लोगे तो मतलब बहुत बेहतरीन रिएक्शन हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं बेटा, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट इज KMnO4, है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि बहुत बढ़िया आप लोगों को सुनने को मिलेगा PCC। PCC इज पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे तो मैं इस रिएक्शन को करके दिखा देता हूँ। जैसे क्या है, जैसे कि आपने एक अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल क्या होता है RCH2OH, ठीक है। ज़्यादा अच्छे से मैं इसको थोड़ा सा ना ओपन करके लिखता हूँ CH, इधर है OH, ठीक है। आपने यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, मान के चलिए PCC ले लिया है, तो इधर क्या होगा, ये स्केच निकलेगा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O,
ये क्या बन चुका है अगर आपको दिखाई दे रहा हो, इट इज योर एल्डिहाइड। ठीक है, जैसे कि इथेनॉल है, इथेनॉल इज CH3 CH2, इधर OH, PCC लिया तो यहां से क्या होगा बेटा, यहां से आपका H, यहां से आपका H, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, ये है CH3 C OH CH3 H, यहाँ पर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया PCC या फिर CrO3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ले लेते हो, तो अगेन यहाँ से H निकलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या जाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड। शायद आपको याद है मैंने बोला था कि अगर एल्डिहाइड की रिडक्शन होती है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कीटोन की रिडक्शन होती है सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। सिमिलरली अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो एल्डिहाइड बनता है, और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती। अगर यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर CH3 CH2 OH है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल KMnO4, इसकी जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो पहले तो ये एल्डिहाइड बनेगा CH3 CH2, और फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन होगी, देन आप ऑब्जर्व करोगे कि ये हमारा कन्वर्ट हो रहा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3 CH2 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। इसी जैसी एक रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, डिहाइड्रोजिनेशन। पेपर में कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन भाई, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब डिहाइड्रोजिनेशन जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो अल्कोहल लोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया प्राइमरी अल्कोहल, और डिहाइड्रोजिनेशन के लिए ना आपको रिएजेंट याद रखना पड़ेगा, कॉपर लोगे और गर्म कर दोगे, कॉपर डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट है। तो जैसे कि CH3 C, बिल्कुल कॉपी है पिछले वाली रिएक्शन की OH, यहाँ पर आपने कॉपर लिया गर्म कर दिया, बस रिएक्शन का नाम बदल जाएगा, तो यहाँ से ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, जैसे कि आपने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, ठीक है, CH3 CCH3 OH और इधर H। ठीक है, अब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका HH निकलेगा। अच्छा, इसमें ना सेम कार्बन से निकलता है, जिस कार्बन पे ऑक्सीजन लगा ना उसी कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, मतलब आप देखो ना, इसी कार्बन पे OH लगा, इसी कार्बन पे हाइड्रोजन से निकल जाएगा, तो कॉपर होगा, तो CH3 C ऊपर है CH3 और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये हमारे पास कीटोन बन जाएगा। ठीक है, इनकेस यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल हो तो याद रखिए टर्शियरी अल्कोहल में डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकती है, तो क्या होगा सर, यहाँ पर डिहाइड्रेशन टेक प्लेस और डिहाइड्रेशन होगी तो क्या बनेगा आपका, डिहाइड्रेशन होगी तो आपका बनेगा अल्कीन, फॉर एग्जांपल CH3 CCH3 CH3 इधर है OH, तो ये चीज बाहर निकलेगी, है ना, ये H और इधर है कॉपर, गर्म करोगे। अच्छा, यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगी, क्या होने वाली है, डिहाइड्रेशन होने वाली है ना, तो यहाँ से ये चीज़ ऐसे निकलने वाली है, ऐसे निकलने वाली है। ठीक है ना बेटा, अब CH3 और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा भाई CH2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्किन इज फॉर्म, क्लियर, तो इस तरह से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है फिनोल की, है ना, और फिनोल की किस तरह से होती है भैया, फिनोल की रेजोनेंस मैं आपको अभी करवा चुका हूँ, तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो दो तीन रिएक्शन होती हैं, जैसे कि नाइट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, अब आपने देखना है कि वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको रेजोनेंस ऑफ फिनोल करवाया था,
तो आपने नोटिस किया होगा कि ये क्या होता है, जो फिनोल होता है बेटा जी, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो जब भी कोई ग्रुप अटैक करेगा तो वो ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा। कंडीशन ध्यान से देखनी है कि आप किस कंडीशन में रिएक्शन करवा रहे हो। जैसे कि आपने इसकी नॉर्मल नाइट्रेशन करवा दी, ठीक है ना, आपने नाइट्रेशन करवा दी तो क्या होगा, जैसे कि इधर OH है, ठीक है, ये इधर है OH, इसकी रिएक्शन करा दी आप लोगों ने विद डाइल्यूट HNO3। तो क्या होगा, जो NO2 ग्रुप जुड़ता है नाइट्रेशन में, वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा भाई, या फिर किस पोजीशन पे जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा यार, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि ठीक है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, पैरा नाइट्रो फिनोल। सो सॉरी बेटा जी, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए एक्चुअली यार मैं ना नीचे वीडियो बना रहा हूँ और भाई की यूएस से कॉल आई हुई है। मेरे घर वाले बहुत शैतान है यार, दरवाज़ा खोल के चले जाते हैं। सो सॉरी। चलिए, तो पैरा नाइट्रोफिनोल है। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्वेश्चन ही आ जाता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और काहे। चलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनोल को लेते हैं। जैसे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, ये है OH और ये है NO डबल बॉन्ड, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसे बोलते हैं इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि मोलिक्यूल की खुद के साथ है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब कभी इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, तो मोलिक्यूल को ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिलती, ठीक है ना। तो याद रखिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट। और इन केस अगर यहाँ पर मान के चलो ऐसा है, पैरा नाइट्रोफिनोल है, ठीक है ना, ये है OH, ठीक है, इधर है NO2, N डबल बॉन्ड O, इधर है ऐसे सेम, ये है OH और ये है N डबल बॉन्ड O, तो इधर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, ठीक है। सिमिलरली एक और मॉलिक्यूल आप इसी तरह से ले सकते हो, मैं आपका काम आसान कर देता हूँ चीटिंग करके, ठीक है। जैसे कि ये है, मैं इधर मान लेता हूँ इसको, या ऐसे मान लेते हैं यार, अच्छा ठीक है। तो इधर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इधर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो ये ना दूर दूर के मॉलिक्यूल आपस में जोड़ रहे हैं। इस मॉलिक्यूल को, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो अलग अलग मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर रही है। तो अलग अलग मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहे हैं तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल को स्टेबल कर रहा है, खुद को, ये अलग अलग मॉलिक्यूल को स्टेबल कर रहा है, तो यहाँ पर हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका। याद रखिए, हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, जो पैरा नाइट्रोफिनोल होता है। चलिए सर, बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं डाइल्यूट की जगह, डाइल्यूट HNO3 की जगह अगर मैं इधर कंसनट्रेटेड ले लेता तो अलग हो जाता, ठीक है ना, तो अलग हो जाता। देखिए भाई, जैसे कि ये है, ये हमारे पास है फिनोल, सॉरी ये OH है और इधर मैंने कंसेंट्रेटेड HNO3 ले दिया, ठीक है ना। तो कंसेंट्रेटेड में जितनी ऑर्थो पैरासाइट अवेलेबल हैं, सब जगह पर अटैक होगा, सब जगह पर अटैक होगा, तो ऑर्थो ये इधर भी NO2, इधर भी NO2। क्या कह रहे हो, सीक्रेट कोड था दरवाजा बंद करवाने के लिए, 246 ट्राई नाइट्रो फिनोल। अच्छा, तुम्हें ना एक चीज़ में बताया था, तुम्हारे लिए मैं बहुत सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, फैन ऑफ करवा दिया है, AC चलवा दिया है। चलो, 246 ट्राई नाइट्रो फिनोल, एंड इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, एक्सप्लोजिव के रूप में इसका यूज किया जाता है। डिटो इसी तरह से हमारी ब्रोमिनेशन होती है। अगर आपने ब्रोमिनेशन की है इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो ब्रोमिन अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरासाइट पे। और अगर आपने यही ब्रोमिनेशन की है वाटर के साथ, मैं रिएक्शन इधर करके दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे कि ये है इधर आपका OH, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी विद BR2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 या फिर क्लोरोफॉर्म,
ठीक है, तो रिएक्शन की स्पीड थोड़ी स्लो होगी और जो ब्रोमीन है वो अटैक करेगा या तो ऑर्थो साइट पे या फिर कहाँ पर अटैक करेगा मेरे भाई, पैरासाइट पे, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि ये फिनोल है, इसकी ब्रोमिनेशन कर दी, इसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में हुई तो ना यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बन जाएगा। तीन बार बीआर है, ट्राई ब्रोमोफिनोल, ठीक है। और इसके ना वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक, इस तरह से जब फिनोल में हम ब्रोमीन और वाटर डालते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, किसके, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल के। आगे बढ़ते हैं, इनके दो बहुत फेमस रिएक्शन आते हैं, एक आती है कोल्ब रिएक्शन और एक आती है कौन सी रिएक्शन, एक आती है कोल्ब रिएक्शन, 100% गारंटेड बोल रहा हूँ, ये पेपर में आएंगी आएंगी 100%, किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं। एक आती है कोल्ब रिएक्शन और एक आती है राइमर टाइमन रिएक्शन। अब ये क्या होता है सर, कोल्ब रिएक्शन क्या होती है, राइमर टाइमन रिएक्शन, मैं बताता हूँ आपको क्या होती है। प्लीज सर गाना मत गाना सर, प्लीज सर, नहीं गाऊंगा भाई। कोल्ब रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन में क्या होता है कि पहला स्टेप होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब फिनोल की रिएक्शन होती है ये, फिनोल फिनोल, ठीक है। इसमें क्या करते हो आप लोग, फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनाते हो, सैलिसिलिक एसिड, और इस रिएक्शन में क्या करते हो, फिनोल से सैलिसल्डिहाइड बनाते हो, सैलिसल्डिहाइड। तो क्या होगा, इसकी रिएक्शन आप करोगे, इन दोनों ही रिएक्शन में क्या होता है कि पहला स्टेप होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनएम, सिंपल वे में बता रहा हूँ, और लास्ट स्टेप होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। पहला स्टेप होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनएम और लास्ट स्टेप होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। बीच में क्या लिया जाता है, सैलिसिलिक एसिड, CO2। तो इधर क्या हो जाएगा, जैसे ये है फिनोल और इधर ना CWH लग जाता है, और इधर इसमें क्या लेते हैं, CHCl3। तो इसमें क्या हो जाता है भाई, ये OH है और इधर हो जाता है CHO। मैंने इसको ऐसे याद रखो, कोल्बे की कार कोल्बे की कार में गया कौन, राम टमाटर और आलू लेने, कोल्बे यानी कोल्ब्स रिएक्शन में कार लगाते हैं, कार यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, रामू टमाटर राइमर टाइमर रिएक्शन में आलू बोले तो एल्डिहाइड, कुछ इस तरह से इजीली, कोल्बे की कार कोल्ब रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड लगते हैं और रामू टमाटर मतलब राइमर टाइमर में टमाटर और आलू यानी एल्डिहाइड लगता है। सेम है NaHCl, इधर ये CO2 लेना है क्योंकि CWH लगाना, और इधर आपने लेना है CHCl3। आगे बढ़ते हैं रिएक्शन विद जिंक डस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में बहुत हेल्प करती है। यहाँ पर ये एक तरह से ना कह सकते हो कि रिडक्शन कर देता है, ये इधर से ना ऑक्सीजन हटा देता है, ओके। जैसे कि हमारे पास ना फिनोल है, फिनोल किसे कहते हैं, जैसे बेंजीन के ऊपर OH है, इसकी रिएक्शन जैसे आप जिंक के साथ करते हो, जिंक यहाँ से ऑक्सीजन लेके बाहर और यहाँ पर हमारे पास बेंजीन बच जाता है, और भाई साहब इसके बाद हम क्या कन्वर्जन करते हैं, दे कन्वर्जन चलते रहते हैं। इसके बाद रिडक्शन थी है ना। अब अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करता हूँ, ऑक्सीडेशन के लिए ऑब्वियसली मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, याद रख लो फिनोल की रिएक्शन, जैसे कि फिनोल है। बाकी देखो यार, मैं तुम्हें एक चीज़ बार बार भरोसा दिलाने के लिए कहता हूँ, क्योंकि ना ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई, तुम भरोसा रख सकते हो, बहुत बढ़िया मार्क्स दिलवाए जाएंगे, दिन रात एक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बेंजो क्यूनोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंजो क्यूनोन, ऑक्सीडेशन हो गए। आगे बढ़ते हैं सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल, तो हमारे दो अल्कोहल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक ना इसी साल ऐड हुआ, मिथेनॉल। मिथेनॉल का दूसरा नाम होता है वुड स्पिरिट, मैं इधर ऐसे ही पढ़ा दूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि ना कार्बन मोनोक्साइड लेते हैं, CO,
उसकी हाइड्रोजनेशन 2H2 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ZnO Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड, तो ये बन जाता है CH3OH, बात खत्म। ठीक है ना, यही इसका कमर्शियल मेथड है बनाने का। टुडे मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ZnO Cr2O3 कैटलिस्ट। ठीक है, मिथेनॉल क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट है 337, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। हाईली पॉइजनस इन नेचर, भाई साहब को कहते हैं ना वो कई बार कच्चे दारू पी के चल बसे, वो ये मिथेनॉल मिला देते हैं। देखिए, पीने के लिए जिस दारू का यूज किया जाता है नहीं पीना चाहिए, है ना, मेरे को इतनी एडिटिंग नहीं आती, वरना मैं एक स्ट्रिप से चला देता। क्या कंज्यूमिंग एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, तो इथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और उसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग करने के लिए उसमें मिथेनॉल मिला दिया जाता है। ठीक है ना, तो मिथेनॉल पी के कहीं चल बसते हैं। और भाई साहब, इसकी स्मेल से ब्लाइंडनेस हो जाती है, और लार्ज क्वांटिटी अगर ले जाए कोई तो मर भी सकता है। इसका यूज किया जाता है सोलवेंट इन पेंट्स वार्निशेज एंड चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इज HCHO। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इथेनॉल C2H5OH। इसको बनाने के इथेनॉल और दारू बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, दारू बनाने के लिए अगर आपने देखा हो, अनाज को ना सड़ाया जाता है। अनाज मतलब जैसे हमारे पास शुगर है, ठीक है, C12H22O11, उसमें पानी डालेंगे और एंजाइम डाल देंगे इन्वर्टेज, तो उससे हमें मिलेगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। फिर इस ग्लूकोज को लिया, दैट इज C6H12O6, उसमें एंजाइम डालेंगे जाइमेज, और वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, इथेनॉल में, और उसी दारू को पिया जाता है। आपने कभी देखा हो अंगूर खाना कभी तुम लोग, है ना, और अंगूर ना अगर मतलब उसमें थोड़े बहुत खराब होंगे ना तुम्हें नशा सा होने लग जाएगा, फैक्ट बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। इसी तरह से दारू बनती है, गुड़ से दारू बनती है, मतलब जिससे भी बहुत ज़्यादा शुगर मिलेगी ना उन चीज़ों से दारू बना देंगे। शुगर में पानी डाल के एंजाइम डाल के उससे पहले ग्लूकोज फ्रुक्टोज में तोड़ते हैं, किस में तोड़ते हैं, GF में तोड़ते हैं, मैं तो इनको GF बोलता हूँ, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। फिर इनको पकड़ के इनमें जाइमेज डालते हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं भैया, अल्कोहल के अंदर। ठीक है, लिखा भी गया है द शुगर इन मोलेसिस शुगर केन और फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, जिनका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, अभी चैप्टर भी आएगा बाई मॉलिक्यूल। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अंडरगो फर्मेंटेशन, फफुंदीकरण हिंदी बोलते हैं इसको, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर एंजाइम जाइमेज विच इज फाउंड इन ईस्ट। ठीक है, इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर्स एंड ईस्ट, एंड एज ग्रेप्स रिपन, जैसे जैसे वो खराब होने लगते हैं, द क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेज एंड ईस्ट ग्रोज ऑन द आउटर स्किन, व्हेन ग्रेप्स आर क्रश्ड शुगर एंड एंजाइम्स कम इन कॉन्टैक्ट एंड फर्मेंटेशन स्टार्ट, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एनएरोबिक कंडीशंस, मतलब समझते हैं ना, ऑक्सीजन नहीं दी जाती है उधर। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती रहती है, दारू बन जाती है भाई। देखो मतलब करना नहीं है ये काम। और एक ना अल्कोहल मिट्री करके कुछ एक शब्द आता है, अल्कोहल मिट्री का होता है कि हमें ना किसी लिक्विड में अगर दारू का पता लगाना हो, स्पेशली अगर मैं बोलूँ ब्लड में, आपने देखो अगर दिल्ली साइड में वो स्विच सा लगा देते हैं मुँह में दारू का, उसको अल्कोहल मिट्री बोलते हैं। ठीक है, इसका भी यूज़ कहाँ पर किया जाता है, एज अ सोलवेंट, बताओ, सोलवेंट के रूप में यूज करते हैं इसका, पीने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर इसको अनफिट करना हो, फॉर द कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट सम कॉपर सल्फेट पिरिडिन, इट इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए, अल्कोहल की नेचुरल फॉर्म को में जब कॉपर वगैरह मिला देते हैं, कॉपर सल्फेट वगैरह मिला देते हैं, तो वो अनफिट हो जाती है। उस प्रोसेस को हम देखिए ना, कोई भी चीज़ की जैसे मिल्क है, मिल्क की नेचुरल फॉर्म लिक्विड फॉर्म में है, अब मैं उसमें नींबू निचोड़ दूंगा तो पनीर बन जाएगा, वो डीनेचुरेशन कहलाता है, भैया हमने उसकी नेचुरल फॉर्म को हटा दिया है। चलिए देवी और सज्जनों, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ईथर्स, लास्ट पॉइंट है, और इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है। तो ईथर्स बनाने के लिए ना दो प्रोसेस बहुत फेमस होती हैं, एक तो ये जो भी पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और एक आती है रोना हैलुकिन की याद में। पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, देखो भाई, देखो भाया, क्या होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जैसे कि आपने अल्कोहल ले लिया, मैं इसको ना सही लिख देता हूँ भाई, तुम्हें ना ज़्यादा समझ में आ जाएगी,
टेम्परेचर का फंडा है, टेम्परेचर का चक्कर बाबू भैया, टेम्परेचर का चक्कर ये है। और टेम्परेचर ले लिया 443 कर लो, तो क्या होगा यहाँ से एच और यहाँ से ओ एच बाहर, यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई सी एच टू डबल बोन सी एच टू, ये क्या बन गया अल्कीन। ठीक है ये एक बात, अगर यहीं पर आप एच पॉजिटिव ले लो और टेम्परेचर ले लो 413 कर लो, शायद परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। ठीक है कैसे, जैसे सी टू एच फाइव ओ एच, इधर एक और अल्कोहल ले लेना सी टू एच फाइव ओ एच, ठीक है तो ये चीज़ बाहर ओ एच और एच बाहर, एच टू ये क्या बन जाएगा सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव विच इज नोन एज अल्कोक्सी अल्केन, गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से बना सकते हो। दूसरा बड़ा फेमस है बनाने का तरीका इसको, क्या भाई विलियम, अरे ये क्या करती हमने विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है विलियमसन सिंथेसिस को अच्छे से समझाया है मैंने, और ये SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ SN2 का मैकेनिज्म, विलियम का सन SN2, ठीक है SN2 मतलब अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी वाले ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। चलिए कम टू द पॉइंट, कैसे याद कराया विलियमसन सिंथेसिस को मैंने आप लोगों को, विलियमसन सिंथेसिस, कि विलियम का एक सन था, भारत सर की क्लास से लगाता था, भारत सर ने उसे बहुत कहा कि बाबू सोना के चक्कर में मत पड़, बट वो पड़ गया। भारत सर ने उसे क्या बोला कि भाई रो ना हेलोल्किन की याद में, बट वो फिर भी रो रहा है, मेटल लव्स नॉन मेटल, ठीक है NX, और इधर क्या बन जाएगा आर ओ आर डैश, दोबारा जाता हूँ, जैसे कि सी टू एच फाइव ओ एन ए, ठीक है इधर ले लिया सी टू एच फाइव सी एल, अभी तो बताया मेटल लव्स नॉन मेटल, एन ए और सी एल बाहर, तो क्या बन जाएगा सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव, इसे क्या बोल देंगे अल्कोक्सी अल्केन बोल देंगे भाई, क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब हैं ये क्या, ये तो शुरुआत ही खत्म हो गई, यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने बता चुका है उनकी, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, अल्कोहल से तो बहुत कम होता है क्योंकि इनके खुद के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, पानी में घुलते हैं, दो बातें। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड तो पता है ना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट मॉलिक्यूलर मास है ना, अगर कहीं पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, सोलिबिलिटी लिख रहा हूँ यार मैं अभी, क्या वैसे इफेक्ट है, अगर किसी की सोलिबिलिटी ज़्यादा होती है ना इट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, हाँ ये भी फैक्ट है, बट यहाँ पर मैं ये नहीं लिखवाना चाह रहा था, यहाँ पर मैं लिखवाना चाह रहा था ब्रांचिंग। ठीक है कुछ प्रवचन सुन लेते हैं, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर्स आर पोलर एंड द ईथर हैव अ नेट डाइपोल मोमेंट, बस याद रखो कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मैंने बॉइलिंग पॉइंट का एक ऑर्डर लिखवाया था, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन फिर हैलोकेन, हैलोकेन्स के बाद ईथर्स, ईथर के बाद एल्डिहाइड, के बाद कीटोन्स, के बाद अमाइंस, के बाद अल्कोहल, के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल से बहुत कम होता है। देखो जैसे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन से अरे ये क्या बदतमीजी है, से तो कम हो गया, बाकी ज़्यादा होता है, और ये अल्कोहल से बहुत कम होता है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है एक ही बात होती है, और द लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड ईथर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है आगे बढ़ें नेक्स्ट बात करें, सोलिबिलिटी की, तो सोलिबिलिटी का मैंने सिंपल सा फंडा बताया कि भाई पानी में कौन घुलेगा, पानी में सिर्फ वही घुलेंगे जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तो भैया ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये ईथर है आर ओ आर, और इधर आ गया एच ओ एच, इधर आ गया एच ओ एच दैट इज वाटर, तो इधर इनके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं तो पानी में घुल भी सकते हैं। अच्छा यार मैं इसको ना थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा,
इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन के कंपेरेबल होता है, अल्कोहल से बहुत कम होता है। और क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनमें नहीं होती। शरीर में क्यों नहीं होती? देखो ना, जैसे कि इथर है, आर ओ आर, ऑक्सीजन तो है बट हाइड्रोजन भी तो खुले हुए होने चाहिए, वो तो है ही नहीं ना, तो पॉसिबल नहीं है। जबकि इसमें क्या होता है, ROH है ना, ROH, तो इधर इधर पॉसिबल है, जैसे ROH, ये चीज़ पॉसिबल है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं भैया। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप लोग क्या करोगे, जैसे कि आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद किसके साथ करवा दोगे आप लोग, इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दोगे विद अल्काइल हैलाइड। तो जैसे कि आपके पास एक ये है ROR, आपने इसकी रिएक्शन करा दी विद HX, तो बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है, एक के साथ ROH दे दो और एक के साथ क्या दे दो भाई, और क्लियर है कि नहीं? तो ये है। नेक्स्ट है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिल्कुल सेम रेजोनेंस होती है जैसे कि किसमें होती है भैया, फिनोल में होती है। फिनोल में रेजोनेंस याद है ना, कुछ इस तरह से होती है, इथर्स में भी वैसी होती है, ये ओ ये आर है ना, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आगे चलेंगे फिर ये बॉन्ड आगे चलेगा, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको ऐसे, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर, इधर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव है ना, इधर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये एज इट इज। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आगे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, बॉन्ड, और इससे बॉन्ड आगे चलेगा, बॉन्ड क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन, तो कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा भाई, डबल बॉन्ड ओ आर, इधर इलेक्ट्रॉन आगे गए तो बॉन्ड बना, और बॉन्ड आगे जाएंगे तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन, ये एज इट इज। फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे बॉन्ड, और बॉन्ड आगे जाएगा बॉन्ड क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए इससे क्या हो जाने वाला है, ये डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन आके गए बॉन्ड, और इस बॉन्ड ने आके जाके क्या बना दिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ये एज इट इज ओ आर। राइटिंग सुंदर रखनी चाहिए यार मुझे। फिर ये इलेक्ट्रॉन आके जाएंगे बॉन्ड, फिर से अगला बॉन्ड क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इस तरह से। अब आप देखो कि कुछ स्पेसिफिक साइट्स पे ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, आप देखो ऑर्थो साइट पे, आप देखो पैरा साइट पे, आप देखो ऑर्थो साइट पे, तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इस तरह की रिएक्शन हम लोग कई बार कर चुके हैं, जैसे कि आप लोगों ने हैलोजिनेशन कर दी, आप लोगों ने रिएक्शन करा दी विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सिनोइक एसिड, तो ब्रोमीन अटैक करेगा पैरा पोजिशन पे, ऑर्थो पोजिशन पे। सिमिलरली आप लोग इसकी क्या कर सकते हो, फ्रीडोग्राफ एल्काइलेशन CH3Cl के साथ करवाई, तो CH3 अटैक करेगा ऑर्थो पोजिशन पे, पैरा पोजिशन पे। एसाइलेशन कराई CH3COCl, तो COCH3 अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पे। नाइट्रेशन में कौन अटैक करता है, NO2, ऑर्थो एंड पैरा साइड पे। तो बेटा जी ये है इसकी सारी रिएक्शन, आई थिंक क्लियर होगी, मैं करवा के दिखा देता हूँ भाई। फ्रेडल क्राफ्ट याद है ना, एक होती है फ्रेडल क्राफ्ट, कौन सी, एल्काइलेशन, और एक होती है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या होता है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, देखो बेटा ये हमारे पास है फिनोल, और एल्काइलेशन में आप लोग रिएक्शन करते हैं विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो अटैक कौन करेगा, CH3 अटैक करेगा ऑर्थो या पैरा साइड पे, जैसे किसी ने अटैक कर दिया किस साइड पे, ऑर्थो साइड पे, पैरा साइड पे, ठीक है ना। या फिर इसमें एसाइलेशन में आप लोग किसके साथ करते हो, एसाइलेशन का मतलब क्या होता है, अपना CH3 ग्रुप से इंट्रोड्यूस कराते हो, एसाइलेशन का मतलब होता है CH3COCl, किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो अटैक कौन करता है, COCH3 अटैक करता है, जैसे कि ये है OH, और इस पर अटैक कर दिया किसने, COCH3, कहाँ पर कर दिया, ऑर्थो साइड पे या फिर पैरा साइड पे, ठीक है बेटा, इस तरह से होता है। नाइट्रेशन में भी सेम है, नाइट्रेशन में NO2 लग जाता है, बट आपने देखना है रिएजेंट कौन सा ले रहे हो आप, HNO3 H2SO4, NO2 ग्रुप कहाँ पर अटैक करेगा, कहाँ पर अटैक करेगा भाई, पैरा पर एंड
और सुपर, बाकी इसमें वो नहीं होता, 2-4-6 वाला सीन नहीं बनता। तो बेटा जी ये है हमारे पास वन शॉट ऑफ एल्कोहल फिनॉल इथर, कोशिश की है सब कुछ अच्छे से क्लियर करवाने की, और आपके बनते हैं मैकेनिज्म वो मैं आपको बहुत जल्दी करा दूंगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा, नाराज मत होना, कुछ भी डाउट बचते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं श्योरली आप लोगों को बहुत जल्दी करवा दूंगा। थैंक यू सो मच बेटा जी, बहुत ख्याल रखिए अपना, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।